वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पहले से अच्छे से रीड करेंगे। एन एंटिटी इशूड 100 शेयर ईच टू इट 1000 एम्प्लॉय, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए हमारे 1000 और हर एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है 100 शेयर। सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स, लेकिन इन एम्प्लॉय को कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा तभी इनको ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा वेस्टिंग पीरियड। आगे देखते हैं, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 195। जो ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू है वो भी अपन को गिवन है। देयर इज एन एक्सेप्शन, 97% ऑफ द एम्प्लॉयज विल रिमेन इन सर्विस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 साल, तो ईयर 1 में भी हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, ईयर 2 में भी हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। बात आती है जब हम ईयर नंबर 1 में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वहां पर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1000 लिखने वाले थे, लेकिन तब हमें पता चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज कितने रहने वाले हैं 97%। तो ईयर 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लेंगे हम 97%। आगे देखे, However, at the end of second year, the expected employees to remain in service would be 91%. और जब हम year 2 में expenses recognize कर रहे थे, तब हमें पता चला कि employees तो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेंगे 91%। तो year 2 के time पर हम कितना number of employees लेंगे 91%। Clear? बहुत simple है, सिर्फ और सिर्फ number of employees में छेड़छाड़ की है, बाकी बहुत ही सीधा साधा सा question है। और question की requirement क्या है? Calculate the expenses for year 1 and 2. Year 1 में आप कितना expense recognize करोगे? Year 2 में आप कितना expense recognize करोगे? सिर्फ इतना question ने पूछा है, कोई general entry कुछ भी नहीं पूछा, बहुत ही सीधा साधा question है। तो चलिए फटाफट से copy और pen निकालते हैं और practical question number 1 को भी आसान बनाते हैं। जी, तो copy पर लिखिए Ind AS 102 का practical question number 1 solution। Question की main requirement क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। और इसके लिए मैंने आपको इलस्ट्रेशंस के टाइम पर भी मैजिक फॉर्मूला बताया था, क्या है वो? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, हर साल के एंड में कितने लग रहा है हमको कि जो एम्प्लॉयज है वो फुलफिल कर लेंगे कंडीशन, उनको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, फेयर वैल्यू क्या है ग्रांट डेट पर, टोटल वेस्टिंग पीरियड इंटू पीरियड कंप्लीटेड, ठीक है। और अगर कुछ आपने ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है तो वो माइनस कर दो, ये फॉर्मूला तो अब तक कट गया होगा आपको। तो चलिए आ जाते हैं सॉल्यूशन पर, ये पूरा सॉल्यूशन ही है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सब लिख कर आना है आपको, इज्जत से क्वेश्चन करना है, पूरे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयज कितने हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 1000 है, लेकिन 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 हमें सिर्फ और सिर्फ लग रहा है 97% ही फुलफिल कर पाएंगे कंडीशन, ठीक है। ये ईयर 1 की बात हो रही है और हर एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है ऑप्शन 100 शेयर्स का। फेयर वैल्यू कितना है ग्रांट डेट पर 195। वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 साल, अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है 1 साल। लेट्स सी, 1000 इंटू 97% इंटू 100 इंटू 195 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 94575। कितना आ गया 94575 क्या आ गया हमारा फर्स्ट ईयर पर कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। अब आते हैं अपन ईयर 2 पर। ईयर 2 में ध्यान दो, एम्प्लॉयज टोटल कितने हैं 1000, ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने ही फुलफिल कर पाएंगे कंडीशन 91%, ठीक। हर किसी को कितना ऑप्शन मिल रहे हैं 100। फेयर वैल्यू क्या है 195। वेस्टिंग पीरियड कितना है 2, अभी तक कितना साल कंप्लीट हो चुका है 2। कैलकुलेशन करके बताओ, 1000 इंटू 91% इंटू 100 इंटू 195 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 177,45,000, ठीक है। अब ध्यान रखना ये क्या है, ये पूरे 2 सालों का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज है, पूरे 2 सालों का। क्या हम ऑलरेडी एक्सपेंस कुछ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। कितना कितना, तो उसको माइनस कर दो 94,57,500 ये आ गया 82
87,500 ये आ गया हमारा सेकंड ईयर का, ठीक है। ये हम फर्स्ट ईयर का हो गया और ये सेकंड ईयर का हो गया और ये टोटल दोनों सालों का हो गया। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है ना, पूरे दो सालों का एक्सपेंस है। फर्स्ट ईयर में हम इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, सेकंड ईयर में इतना करेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन था। कोई जनरल एंट्रीज नहीं, कुछ नहीं, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए इसे रीड करते हैं। An entity issued 50 shares, sorry, 500 बोलने वाली थी, 50 shares each to its 170 employees, subject to service condition of next 2 years, यानी कि employees को कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा तभी उन्हें 50 शेयर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो 2 साल हो गया हमारा वेस्टिंग पीरियड, ये हो गए हमारे ऑप्शन और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आगे देखो क्या लिखा है, द सेटलमेंट इज टू बी मेड इन कैश। ओहो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेटलमेंट होगा वो शेयर्स में नहीं होगा, किस में होगा, कैश में। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये किससे रिलेटेड है, स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रांटेड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 85 ईच, हाउएवर द फेयर वैल्यू एज एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड एंड ऑफ सेकेंड ईयर वर 80 एंड 90 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर ईयर्स 1 एंड 2। सिंपल है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ईयर 1 और ईयर 2 में। देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड कितने हैं, 2 साल, ईयर 1 और ईयर 2 में आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन किसका है, सार्स का, ये क्वेश्चन सार का है और सार के क्वेश्चन में जो हमारी फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर होती है वो लेनी होती है, यानी कि ईयर 1 में हम ये वाली लेंगे और ईयर 2 में हम ये वाली लेंगे, ठीक है। अगर ये इक्विटी वाली होती कि आप हमारे यहाँ 2 साल का काम करो हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे, ठीक है, तो ग्रांटेड वाली लेते, दैट इज 85, तो ग्रांटेड वाली लेके। लेकिन यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यानी कि सार का क्वेश्चन है और सार के क्वेश्चन में हर बैलेंस शीट डेट पर जो फेयर वैल्यू होता है उसे कंसीडर करते हैं, यानी कि ईयर 1 पे हम 80 रुपीज लेंगे और ईयर 2 पे 90। समझ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडियस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल हमें कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बट ऑप्शंस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर सार वर्ड आ जाएगा, सार वर्ड, ठीक है। दूसरा क्या चेंज होता है कि जो फेयर वैल्यू होती है वो ग्रांट डेट पर ही ली जाती है, यहाँ पर फेयर वैल्यू बैलेंस शीट की डेट ली जाती है, ठीक है, बस यही होता है। बाकी का फॉर्मूला देखोगे तो एकदम सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने हैं, उसके बाद यहाँ पर होता था ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और यहाँ पर होगा सार, फेयर वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, किसकी, ऑप्शन की नहीं, किसकी, सार की, और वो भी हर बैलेंस शीट डेट पर अलग होगी तो आपको अलग ही कंसीडर करना है। डिवाइड किससे होगा, वही अपना टोटल वेस्टिंग पीरियड, कम से कम कितना काम करना है उनको 2 साल, तो सर्विस कंडीशन 2 साल है, वही हमारा वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा और आपको वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, तो वही हमारा फॉर्मूला है। अगर ऑलरेडी कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुका है तो आपको वो लेस करना है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है ऑप्शंस के केस में और सार के केस में, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सेम फॉर्मूला है। ईयर 1 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 170, ऑप्शंस यानी कि उनको सार कितने मिल रहे हैं, 50 शेयर्स। ईयर 1 की बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू कितना है, 80, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, अभी तक कितना साल कंप्लीट हुआ है, 1, बस हो गया कंप्लीट, कैलकुलेट कर लो, 170 इंटू 50 इंटू 80 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 340,000, कितना आ गया ईयर 1 का, 340,000। ईयर 2 पर आते हैं, 170 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज में कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ उन्होंने बोला नहीं था कि छोड़ के जाएंगे या कुछ, तो वही हमारे रहेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऑप्शन तो सेम ही है, 50। फेयर वैल्यू ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी लेनी है अपन को, 90, क्योंकि ईयर 2 पर फेयर वैल्यू 90 थी। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, और अभी तक कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2,
170 इंटू 50 इंटू 90 डिवाइड करोगे इंटू करोगे बात सेम ही आएगी, ये आ जाएगा 7,65,000। कितना आ जाएगा 7,65,000। ये हमारे दो सालों का खर्चा है, दो सालों का। क्या हम कुछ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? बिल्कुल 3,40,000। तो उसको हम लेस कर देंगे, माइनस करेंगे 3,40,000, ये आ गया 4,25,000। 4,25,000, ठीक है, समझ में आया ना। ये पूरे दो सालों का खर्चा है 7,65,000, जिसमें से कि 3,40,000 हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके थे। तो सेकंड ईयर में हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 4,25,000। ठीक, एकदम क्लियर है? 3,40,000, 4,25,000, सेम आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 3 मिनट में हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऑप्शन और तार के केस में क्या देखना है आपको, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू का डिफरेंस रहता है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए पहले से रीड करते हैं। कंपनी पी इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर कंपनी बी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो पी होगा वो पेरेंट कंपनी हुआ, और ये जिसका होल्डिंग है यानी कि कंपनी बी, कंपनी बी क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, ये तो सबको पता है भाई। तो कंपनी पी हो गई हमारी पेरेंट कंपनी और कंपनी बी हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। आगे देखते हैं, अ ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच पेरेंट इश्यूज इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी बी। ये वही वाला क्वेश्चन है हमारा, पेरेंट सब्सिडरी वाला, जहां पर पेरेंट अपने इक्विटी शेयर्स देता है। पेरेंट अपने इक्विटी शेयर्स देता है किसको? एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी बी। किसको? एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी बी, यानी कि एम्प्लॉइज काम करके देंगे कंपनी बी को, लेकिन उनको जो शेयर्स मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? कंपनी पी से, ठीक है। द डिटेल आर एज फॉलोस, क्या डिटेल्स है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 100। ग्रांटेड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर 87। नंबर ऑफ शेयर्स टू ईच एम्प्लॉय ग्रांटेड 25। सब कुछ उनको गिवन है, लेकिन वेस्टिंग पीरियड गिवन नहीं है कि उनको कितना काम करना है। अब आगे देखते हैं, तो वेस्टिंग कंडीशंस क्या है? इमीडिएटली, मतलब कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, हाल के हाल उसको वेस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई भी गुल्लक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो FVP रिजर्व हमको आएगा ही, ठीक है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी पी एंड कंपनी बी। आपको पेरेंट कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडियस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मेन पार्ट हमारा रहेगा जनरल एंट्री पेरेंट कंपनी में और कंपनी बी दैट इज सब्सिडरी, दोनों कंपनीज में अपन को जनरल एंट्रीज पास करने हैं। तो फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि डेट अपन को गिवन ही नहीं, ठीक है। तो अब जो एंट्रीज बनेगी, हम हमेशा क्या करते हैं, एंट्रीज पास करने से पहले अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंट्रीज में अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं वर्किंग नोट, लेकिन अभी तक जो भी हम वर्किंग नोट क्रिएट करते थे उसमें लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन यहाँ पर तो वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो हर साल आपको एक्सपेंस करने की रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको गुल्लक ही बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑन द स्पॉट शेयर्स देने, ठीक है, तो आपको एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज नहीं करना है, लेकिन जनरल एंट्रीज में अमाउंट तो डालना है ना भाई। तो उसके लिए अपन वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, ठीक है, अमाउंट के लिए। कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला भी नहीं लिखा, ना ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा नहीं लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है। बाकी सॉल्व कैसे होगा? तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? 100, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं एक एम्प्लॉय को? 25, तो 2500 टोटल ऑप्शंस हो गए। ग्रांट डेट क्या है? ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू क्या है? 87। वेस्टिंग पीरियड कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यही हमारा अमाउंट आ जाएगा, 100 इंटू 25 इंटू 87, ये आ गया 217,500। कितना आ गया? 217,500।
तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू भी रिकॉग्नाइज ईच ईयर ऐसा वाला जो हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाती हूँ वो इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको कुछ और नहीं लिखना, बस इतना कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज क्या बनती थी, वही हमारी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व तो लिखा नहीं जाएगा ना, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड नहीं है, वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो गुल्लक किस बात की। अच्छा, ये एम्प्लॉयज किसकी है, ये एम्प्लॉयज है सब्सिडरी के, ये एम्प्लॉयज है सब्सिडरी के, तो सब्सिडरी कंपनी में ही ये डेबिट होगा। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी में ही ये डेबिट होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसको ही बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयज का। अमाउंट क्या आएगा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 217,500। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट करते थे और टू करते थे हम एसबीपी रिजर्व, यानी कि गुल्लक को क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो गुल्लक किस बात की, तो एसबीपी रिजर्व तो आएगा नहीं, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हम गुल्लक नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स के अपन को फेस वैल्यू भी नहीं दे रखा, तो हमें पता नहीं कि फेस वैल्यू का कितना अमाउंट है और सिक्योरिटी का कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट हम यही डाल देंगे 217,500, इक्विटी शेयर कैपिटल / सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नहीं पता, अगर फेस वैल्यू पता होता तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन फेस वैल्यू नहीं पता। ठीक है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल / सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, मैंने ये चीज यहाँ पर डेबिट क्यों करी, क्योंकि सब्सिडरी को एम्प्लॉयज का बेनिफिट मिल रहा है। ये चीज यहाँ पर क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि पेरेंट अपने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, पेरेंट कंपनी के इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, इसलिए पेरेंट कंपनी में ही इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। क्लियर, यहाँ पर नहीं करना है। समझ गया। अब ऐसा हो क्या रहा है, अब इधर क्रेडिट में क्या होगा और इधर डेबिट में क्या होगा, ये तो पता है कि 217,500 ही होगा, ये तो हम अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पर अब ये नहीं पता कि क्रेडिट में क्या जाएगा तो डेबिट में क्या जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट कंपनी में, पेरेंट कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को क्यों दिए होंगे, फ्री में दिमाग खराब तो नहीं है उनका, सिंपल सी बात है, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो क्या कर रही है, अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दैट इज कंपनी बी। ठीक है, और इनको किस बात का पैसा मिल रहा है, इनको मिल रहा है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी पी दैट इज पेरेंट। समझ गए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेबिट कर दिया, और यहाँ पर इनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्रेडिट हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं पेरेंट और सब्सिडी वाला, शायद इलस्ट्रेशंस में किया था, तो वहां पर मैंने यहाँ पर आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करवाया था और यहाँ पर मैंने लिखवाया था टू एसबीपी रिजर्व। क्यों करवाया था, क्योंकि वहां पर वेस्टिंग पीरियड था, लेकिन यहाँ पर कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखवाया है एसबीपी रिजर्व की जगह। ठीक है, बाकी वाली एंट्री सेम ही रहेंगी, चाहे वेस्टिंग पीरियड हो या ना हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी भी और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट, ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा ना, सिंपल जा रहा है क्वेश्चन, चार चार पाँच पाँच मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि फास्ट जा रहा है स्लो जा रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। एन एंटीटीपी इशू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस ऑन द बिलो डिटेल्स। तो यहाँ पर जो कंपनी पी है वो अपने एम्प्लॉयज को ESOP दे रही है, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 100। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट जो अपन को चाहिए रहती है वो भी क्लियरली गिवन है, 25 रुपीज। मार्केट कंडीशन क्या है, ओ हो, यानी कि ये कौन सा वाला है, मार्केट से लिंक्ड वाला क्वेश्चन है, नॉन मार्केट नहीं है, ये है मार्केट से रिलेटेड, यानी कि मार्केट का प्राइस ऑफ शेयर या फिर ग्रोथ ऑफ शेयर वो सब देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किससे रिलेटेड है देखते हैं, शेयर प्राइस से रिलेटेड है कि शेयर प्राइस कम से कम 30 रुपये पहुँचना चाहिए, ये है हमारा टारगेट। और क्या कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है कि एम्प्लॉयज को कम से कम टू रिमेन इन सर्विस अंटिल मार्केट कंडीशन इज फुलफिल, बोल रहे हैं जब तक मार्केट कंडीशन फुलफिल होगी तब तक आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, यही है इनकी कंडीशन।
एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन, और अभी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि मार्केट कंडीशन कब फुलफिल हो जाएगी, 4 साल में। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, सर्विस कंडीशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को कितना साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, कितने साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, और वही हमारा होता है वेस्टिंग पीरियड। लेकिन यहाँ पर सर्विस कंडीशन में इन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सर्विस कंडीशन में हमें बोला है कि जब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा वही हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा। जब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उतना ही हमारे एम्प्लॉयज को सर्विस कंडीशन देनी है और उतना ही उनका वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन को पता नहीं है वो कितना साल होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बेसिस कितना है, 4 साल, कि 4 साल में मार्केट कंडीशन हमारा ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम 4 साल तो एम्प्लॉयज को रहना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 4 साल। डिफाइन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच ईयर बेस्ड प्लान इन ईच ईयर सब्जेक्ट टू द बिलो सिनेरियो। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। इसमें दो केस है। केस वन है कि अगर मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई 3 साल में। देखो हमने एम्प्लॉयज से क्या बोला था कि मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाए तब तक आपको यहाँ पर रहना है, और मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एक्सपेक्टेशन है कि 4 साल में, ठीक है। तो उनके दिमाग में क्या घूम रहा होगा कि कब तक हमें यहाँ पर रहना है, 4 साल में, उसके बाद हमें जॉब मिल जाएंगी, यही उनके दिमाग में घूम रही है बात। लेकिन हमारी जो मार्केट कंडीशन है वो ईयर 3 में ही फुलफिल हो गई, तो मुझे ये बताओ अच्छी बात है कि नहीं। ये वाली बात हमें एम्प्लॉयज को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, ये एक पॉजिटिव बात है। ये हम एम्प्लॉयज को बता सकते हैं आराम से कि देखो पहले 4 साल हमने बोला था एक्सपेक्टेशन लगाकर, अब ये सिर्फ 3 साल है, तो एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं केस टू की बात करूं तो केस टू बोल रहा है कि मार्केट कंडीशन फुलफिल होगी ईयर 5 में। मुझे बताओ क्या ये बात पॉजिटिव है या निगेटिव? बहुत बड़ी निगेटिव बात है। हमने उनसे बोला था कि 4 साल में मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लेकिन ये हुई 5 सालों में। अगर हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमें पड़ेंगी गालियाँ, हमें मतलब एंटिटी पी में बहुत पड़ेंगी गालियाँ। एम्प्लॉयज बोलेंगे भाई क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग, पहले कह रहे थे 4 साल में कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, अब बोल रहे हो 5 साल, ऐसे तो आप ये करते ही रहोगे, ठीक है। तो ये सब आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, समझ में आ गया क्यों नहीं करना है, इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसका आप ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई आप एम्प्लॉयज को बोल रहे हो 4 बोला था 3, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट वाला बात बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ कि क्यों होता है इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे, और इसका इसलिए होता है क्योंकि हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है, इसी के डर से। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो हम सीखते हैं सॉल्यूशन में। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अपना वही मैजिक फॉर्मूला जो कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको कराया है, क्या है वो मैजिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर, हर साल कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितने हैं, फेयर वैल्यू ग्रांटेड पर कितनी है, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से, और वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड जितना हो चुका है उससे हम इंटू कर देंगे, ठीक है, और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज है तो उसको अपन लेस कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार सिखा चुका है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से होती है हमारी क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट शुरू। उन्होंने बोला है आपको दो केस में करना है। पहला केस ये है कि अगर कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है यानी कि 3 साल में, और दूसरा केस है अगर कंडीशन बाद में फुलफिल होती है दैट इज 5 साल, ठीक है। तो ईयर 1 में सबसे पहले एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज है 100। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, तो उसका मतलब एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा सबको। ग्रांट डेट कितना है, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 25। डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से जो कि मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, और मार्केट कंडीशन फुलफिल होने का बोला है एक्सपेक्टेशन 4 साल। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है, 1। कैलकुलेट करो फटाफट, वैसे बहुत सिंपल है, 2500 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 625 रुपये।
ईयर वन का हमने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, इसी तरीके से ईयर टू में करेंगे 100 इंटू वन इंटू 25 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इंटू करेंगे कितने से, 2 से इंटू करेंगे इस बार, क्योंकि अभी तक कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है, 2, तो 2500 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, ये हो गया 1250, ये हो गया 1250। क्या हम पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? यस, ईयर वन में हमने 625 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 625 आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका आ गया एक्सपेंस 625 और सेकंड ईयर का भी आ गया 625। ये बात सबको समझ में आई कि यहाँ पर ये पूरे 2 साल का कैलकुलेट हुआ था 1250, ठीक है, जिसमें से कि हमने फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया 625, तो ये अपन का आ गया सेकंड ईयर का 625। ये पूरे टोटल 2 इयर्स का था, क्लियर। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर में भी सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1, ऑप्शंस ए, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड 25, और कितना कंप्लीट हो गया 3। यहाँ ध्यान देना कि जब थर्ड ईयर एंड पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे एक्सपेंस का, तब हमें क्या पता चला होगा कि ये तो कंडीशन 3 ईयर में ही फुल हो गया, यानी कि हमने जो सोचा था कि शेयर प्राइस 30 रुपये होगा, वो हमने देखा कि यार तीसरे साल में शेयर प्राइस 30 पर पहुंच गया, इसका मतलब मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर मार्केट कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमारा वेस्टिंग पीरियड भी तो वही हो जाएगा, उन्होंने बोला था वेस्टिंग पीरियड वही रहेगा जो मार्केट कंडीशन है। तो हमने जब थर्ड ईयर में देखा तो शेयर का प्राइस कितना था, 30 रुपये, तो इसका मतलब थर्ड ईयर में ही हमारी मार्केट कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा 30, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो 100 इंटू 25, ये हो गया 2500, 3 साल का कितना हो गया 2500। क्या हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ एक्सपेंस? यस, 625 हमने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया था, 625 हमने सेकंड ईयर में रिकॉग्नाइज किया था, तो 625 दो बार माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1250। तो थर्ड ईयर में हम कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे? 1250, ठीक है। ये जो हमने टोटल देखो, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 100। ग्रांट डेट पर वैल्यू कितना है फेयर का? फेयर वैल्यू कितना है? 25, यानी कि टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है, टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है 3 साल के लिए, टोटल हमारा खर्चा 2500 होने वाला है 3 साल के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में हमने लगा था कि वो 4 सालों में कंप्लीट होगा, इसलिए 4 के अकॉर्डिंग हम इसे बाइफरकेट कर रहे थे कि पहले 625 फिर 625, फिर हमने सोचा था थर्ड ईयर में भी 625 होगा और फोर्थ ईयर में भी 625 होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने 4 साल के अकॉर्डिंग करा, तीसरे साल में हमें पता चला कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो तीसरे साल में ही हमने बाकी का बचा, यानी कि फोर्थ ईयर का जो 625 है वो भी हमने अभी रिकॉग्नाइज कर दिया, इसलिए 1250 आ रहा है थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का 1250। ये हमारा जो है थर्ड ईयर में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1250, समझ में आ गया। तो टोटल 3 सालों का हो गया 2500 खर्चा, फर्स्ट ईयर में हमने कराए 625, सेकंड ईयर में हमने कराए 625 और थर्ड ईयर में हमने कराए 1250। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? अब फोर्थ ईयर में कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेंस निल रिकॉग्नाइज, ठीक है, क्योंकि कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हमने एक्सपेंस पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ जा क्या आ गया एकदम अच्छे से। केस टू पर चले, केस टू है हमारा फुलफिल्ड इन ईयर 5, जब 4 साल की जगह 5 साल में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या हम ट्रीटमेंट दिखाएंगे? देखो यहां पर फॉर्मूला सेम वही रहेगा, 100 एम्प्लॉयज हैं, एक एक ऑप्शन मिल रहा है 2500 फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, और स्टार्टिंग में हमें क्या लग रहा है कि वो 4 साल इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? ये सेम कैलकुलेशन है, देखो सेम, तो 625 इंटू 1 25 4 625 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये वैसे 1250 आएगा टोटल, ठीक है, इसका अगर आप इंटू करोगे 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 1250 आएगा
टोटल 2 सालों का, इसमें से आप फर्स्ट ईयर का माइनस कर दोगे तब 625 आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा नेट इफेक्ट दिखा दिया था, पर जिसको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं दोबारा से बता दिया। नेक्स्ट, 100 × 25 / 4 × 3 1875, जिसमें फर्स्ट ईयर का 625 माइनस करेंगे, सेकंड ईयर का 625 माइनस करेंगे, दो बार 625 माइनस करेंगे तो ये आ गया 625 थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है अभी तक, लेकिन एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन यही लग रहा था कि 4 साल में हो जाएगा। ये आ जाएगा टोटल 2500, जिसमें हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर में 625, सेकंड ईयर में 625, थर्ड ईयर में 625, तो माइनस कर देंगे 3 बार, ये आ गया 625, ठीक है। तो 4 सालों में टोटल खर्चा कितना होने वाला है, 2500 रुपए, जो कि हमने 4 सालों में बाइफरगेट किया है। तो फर्स्ट ईयर में आ गया हमारा 625, सेम टू सेम चारों में आ गया, ठीक है। फिफ्थ ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई हुए, लेकिन हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इसलिए फिफ्थ ईयर में आपको कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करना, क्लियर। इसी वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, कि जब जो हमने एक्सपेक्टेशन सोचा था कि 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन वो हुआ 5 सालों में, तो इसका इफेक्ट दिख ही नहीं सकता, क्योंकि 5 साल जब तक आएगा तब तक तो हम ऑलरेडी 4 सालों में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए इसका प्रैक्टिकली भी देखें, कैलकुलेशन वाइज भी देखें, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप उस वेस्टिंग पीरियड को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयज हमारे गालियां ही देंगे कि भाई पहले आपने 4 साल बोला था और आप 5 साल रहने की बात कर रहे हो, इसलिए आपको एक्सपेंस ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको उसका इफेक्ट दिखा देना है, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड में आपको उसका इफेक्ट दिखा देना है। लेकिन अगर कंडीशन बाद में सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो आपको वेस्टिंग पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना है। जैसे आप ओरिजिनली आप बाइफर्केशन करते हो, ओरिजिनली जैसे ही आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। कम सालों में कंप्लीट हो जाती है तो इफेक्ट दिखाओ, ज्यादा सालों में इफेक्ट कंप्लीट होती है तो कोई इफेक्ट मत दिखाओ। बस इतना सा आप लाइन याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, और उम्मीद है बन भी गया होगा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया है, तो फटाफट से कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। एंटिटी एक्स ग्रांट 10 शेयर्स ईच टू 1000 एम्प्लॉइज ऑन द कंडीशन एज मेंशन ब्लू। यहाँ पर सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 1000, और हर एम्प्लॉइज को कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, 10, ठीक। आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। टू रिमेन इन सर्विस एंड एंटिटीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शैल रीच 200 मिलियन, ठीक है। तो दो कंडीशन है, कि उनको हमारे यहाँ रहना है, और दूसरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि ईएटी जिसे बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो कितना होना चाहिए, 100 मिलियन, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीएटी शुड रीच टू 100 मिलियन बाई द एंड ऑफ 3 ईयर्स, और ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये जो 100 मिलियन है वो कब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जो पीरियड ऑफ टाइम हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, वेस्टिंग पीरियड, यानी कि ये 3 ईयर्स हमारा क्या बन जाएगा, वेस्टिंग पीरियड। और मुझे कमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली कंडीशन है, ये कंडीशन मार्केट से लिंक्ड है या फिर नॉन मार्केट लिंक, पहले मुझे ये बताना, मार्केट से लिंक्ड है या नॉन मार्केट लिंक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। तो अब तक अपन को क्या क्या पता चल गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्शंस कितने मिलने वाले हैं, 10 हर एक एम्प्लॉय को, वेस्टिंग पीरियड पता नहीं था, तो वेस्टिंग पीरियड कैसे पता लगाते हैं, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उस पीरियड का एक्सपेक्टेशन, उसी को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, दैट इज 3 ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। और लास्ट हमारा एक ही चीज रह गई फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की, वो भी अपन को गिवन है, दैट इज 100। आगे देखते हैं, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड फॉर वेस्टिंग राइट बाय फर्स्ट ईयर 97%, बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड में सिर्फ 97% रहेंगे, यानी कि 1000 एम्प्लॉयज बोल रहे हैं लेकिन रहेंगे कितने, सिर्फ 97%।
ईयर टू की बताएं तो सिर्फ और सिर्फ 95%। एंड फाइनली जो थर्ड ईयर में, जो हमने थर्ड ईयर वेस्टिंग पीरियड करा है, तो जब वेस्टिंग का टाइम आया तब कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ 93%। यानी कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये जो 1000 है, इनको चेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स। आगे देखें, कैलकुलेट दी एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर बेस पेमेंट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल आपको एक्सपेंस बताना है कि हर साल में कितना एक्सपेंस आपको रिकॉग्नाइज करना है ड्यूरिंग दी वेस्टिंग पीरियड, दैट इज 3 ईयर्स। क्वेश्चन सिंपल है, चारों चीजें जो अपन को फॉर्मूले में चाहिए होती है, चारों अपन को गिवन है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडेक्स 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंस कैलकुलेट करना। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज एट ईच ईयर, और इसके लिए वही मैजिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। क्या है वो मैजिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, हर साल में कितने एक्सपेक्टेशन लगता है आपको कि एम्प्लॉयज रहेंगे, इनटू उन एम्प्लॉयज को कितना ऑप्शन मिल रहा है, इनटू ग्रांट डेट पर क्या फेली है, ग्रांट डेट पर क्या फेयर वैल्यू है, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड में, और जितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया उससे इनटू मार देंगे, और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम हर बार लगाते हैं, वही लगाना है। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ईयर वन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, टोटल तो 1000 थे, लेकिन ईयर वन पर सिर्फ और सिर्फ कितना रह गए, 97%, ठीक है। हर एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन मिल रहे हैं, 10, फेयर वैल्यू कितना है ग्रांट डेट पर, फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट 100 रुपीज, डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड जो कि है 3, और अभी तक कितना साल कंप्लीट हो गया है, 1। कैलकुलेट करो फटाफट, 1000 इंटू 97% इंटू 10 इंटू 100, सॉरी एक सेकेंड, 1000 इंटू 97% इंटू 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 323333, 323333, क्या आ गया 323333, क्लियर, बहुत सिंपल था। सेम करेंगे ईयर टू में, एम्प्लॉयज टोटल कितने थे, 1000, लेकिन ईयर टू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने लोग आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 95% ऑप्शंस लेने, 10 हमारा है ऑप्शंस और 100 है हमारा फेयर वैल्यू, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3, अब तक वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया है, 2, 1000 इंटू 95% इंटू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया 633333, 633333, ठीक है। ये कब का है, ये पूरे 2 सालों का है, टोटल 2 ईयर। क्या हम पहले कुछ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हाँ 323333 हम फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो सेकेंड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको माइनस कर दो, 323123, ये आ गया 310000, 310000 हो गया हमारा सेकेंड ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का, क्लियर। इसी तरीके से हम करेंगे थर्ड ईयर में, ईयर नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 1000, लेकिन रहेंगे कितने ना, अब तो थर्ड ईयर आ गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ 93% ही ऑप्शन लेने आएंगे, इंटू 10 हमारा ऑप्शंस इंटू 100 हमारा फेयर वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 3 से, और अब तो वेस्टिंग पीरियड पूरा ही कंप्लीट हो गया, दैट इज 3, तो इंटू कर देंगे 3 से, तो 1000 इंटू 93% इंटू 10 इंटू 100, डिवाइड करोगे इंटू करोगे बात सेम ही आएगी, तो टोटल आ गया हमारा 930000, क्लियर। ये हमारा टोटल 3 ईयर्स का एक्सपेंस है, क्लियर। क्या हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में हम 323333 रिकॉग्नाइज कर चुके थे, सेकेंड ईयर में हम 310000 रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो थर्ड ईयर में हमें कितना रिकॉग्नाइज करना है, बैलेंस देखते हैं, 323123 माइनस 310000, ये आ गया 296667, 296
ये आ गया हमारा थर्ड ईयर का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला है सेम टू सेम वही लगेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि उसमें हर साल चेंज आ रहा है, पहले 97%, फिर 95% और फिर 93%, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में छेड़छाड़ की गई है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ एज इट इज सेम है। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये वाली बातें भी समझ में आई होंगी कि ये जो जब भी एक्सपेंस टोटल आता है वो पूरे एक साल का आता है, पूरे दो साल का आता है और पूरे तीन साल का आता है, ठीक है। तो उसमें से आपको पहले वाले सालों का माइनस करना पड़ेगा, समझ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए इसे पहले अच्छे से रीड करते हैं। एट 1st January 2010 अंबानी लिमिटेड ग्रांट्स इट्स सीईओ एन ऑप्शन टू टेक आइदर कैश अमाउंट इक्विवेलेंट टू 800 शेयर्स और 990 शेयर्स। अंबानी लिमिटेड ने अपने सीईओ को दो ऑप्शन दिए, एक या तो वो शेयर्स ले ले, इक्विटी शेयर्स ले ले, यानी कि ये वाला हो गया आपका ईसॉप ऑप्शन, या फिर इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर वो कैश ले ले, यानी कि ये हो गया आपका सार। अब इक्विटी शेयर्स कितने दे रहा है वो 990 शेयर्स, और कैश कितना दे रहा है वो 800 शेयर्स के बेसिस पर, यानी कि सार हो गया आपका 800 शेयर्स। अब यहाँ पर आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि जो सार में 800 शेयर्स क्यों दे रहे हैं और इक्विटी ऑप्शन में 990 शेयर्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सेम कॉन्सेप्ट इन इलस्ट्रेशन नंबर 3, और वहां पर मैंने आपको ये बात भी बताया था कि जब बात आती है इक्विटी शेयर्स की और कैश की, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई कैश लेना ही पसंद करेगा, सीधी सी बात है कि नहीं। आपको मैं दो ऑप्शन दूँ कि इक्विटी शेयर्स लेना चाहते हो मेरी कंपनी के, या फिर आप कैश लेना चाहते हो, तो आप कहोगे भाई फटाफट कैश दे दो, ठीक है। तो हर कोई कैश लेना चाहेगा, इसीलिए इस ऑप्शन में थोड़ा सा एक बाइसनेस ना हो, हम सार में जो शेयर्स देते हैं यानी कि जो शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं वो कम देते हैं, दैट इज 800, और जो इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन होता है उसमें 990 शेयर्स, यानी कि हमेशा ज़्यादा देते हैं ताकि लोग इक्विटी को भी थोड़ा सा देखें, अदरवाइज वो तो सीधे सीधे सार को ही देखेंगे। सोचो अगर दोनों 800 800 हो तो और कोई सार नहीं चूज कर लेगा, समझ में आ गई वाली बात। ये वाली बात मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में और अच्छे से बताई है, तो आप सीरीज वाइज ही फॉलो करना, ऐसे इधर उधर मत आ जाना कि कभी कोई इलस्ट्रेशन कर लिया या कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, आप जैसे प्लेलिस्ट है उसी ऑर्डर में फॉलो करना, क्लियर। तो हमेशा यही डिफरेंस रहता है, इसलिए इक्विटी वाले ऑप्शन में जो शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सार वाले में जो शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 ईयर्स, यानी कि ये ऑप्शन लेने से पहले आपको कम से कम 2 ईयर्स कंपनी में रहना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सर्विस कंडीशन, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। एक और कंडीशन है, देखते हैं क्या, देयर इज अ कंडीशन टू कीप द शेयर्स फॉर 3 ईयर्स इफ शेयर्स आर ऑप्टेड। बोल रहे हैं आपको दो ऑप्शन मिले हैं कि आप ईसॉप भी ले सकते हो और सार भी ले सकते हो, अगर आपने कैश लिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ईसॉप लिया है यानी कि आपने इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो वो हाल के हाल आपको बेचने ही नहीं है, कम से कम 3 साल तक अपने पास रखने हैं, ठीक है, कम से कम 3 साल तक अपने पास रखने हैं। हाल के हाल बेच दोगे तो भाई वो कैश वाला ही हो जाएगा सिस्टम, इसलिए कम से कम आपको 3 साल रखने चाहिए, ये आपकी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, क्लियर। आगे क्या गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रेस्ट्रिक्शन। ये जो आपको फेयर वैल्यू दिखाई जा रही है ये कौन सी वाली है, विद रेस्ट्रिक्शन। मुझे बताओ रेस्ट्रिक्शन किस में लगा है, ईसॉप में या सार में। वेरी गुड, सही बोला आपने, ईसॉप में। ईसॉप में ही रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स लिए तो वो आपको कम से कम 3 साल तक रखने पड़ेंगे, यही है आपकी रेस्ट्रिक्शन। तो जब आप ईसॉप कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको जो फेयर वैल्यू यूज करना है वो यूज करना है 212, क्लियर। आगे ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑन 1st January, ये कौन सी है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाली, यानी कि ये फेयर वैल्यू किसके लिए यूज करनी है आपको, सार के लिए, क्लियर। आगे दे रखा है फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2010 की, यानी कि ईयर 1 के एंड की, और 31 दिसंबर 2011 यानी कि ईयर 2 के एंड की, 2 साल का ही वेस्टिंग पीरियड है, दोनों साल के ईयर एंड की आपको
फेयर वैल्यू गिवन है। अच्छा ये क्यों गिवन है, क्योंकि देखो ईसॉप के केस में तो हम ग्रांटेड वाला फेयर वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन सार के केस में हम कौन सा यूज करते हैं, जो हर एक बैलेंस शीट डेट पर अलग अलग होता है वही, ठीक है। तो वो एक बार 220 है, एक बार 232 है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन 2 में जब सार वाला टॉपिक कराया था तब भी आपको बताया था। आगे देखते हैं, द की मैनेजमेंट पर्सनल एक्सरसाइज इज कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2012। तो जो हमें डर था कि वो कैश लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने एट द एंड क्या लिया, कैश ही ऑप्शन लिया, यानी कि ईसॉप और सार में से उन्होंने सार वाला चूज किया, क्लियर। इसी बात की आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, यही सिंपल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब इस तरीके का क्वेश्चन जहां पर आपको ईसॉप ऑप्शन प्लस सार का केस यानी कि कंबाइंड क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, दो स्टेप में। स्टेप नंबर 1 अपना रहेगा अमाउंट ऑफ ईसॉप कंपोनेंट, यानी कि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि ईसॉप कंपोनेंट कितना रहेगा, और स्टेप नंबर 2 हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है, दैट इज जनरल एंट्री, क्लियर। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। ईसॉप कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांटेड माइनस टोटल फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ग्रांटेड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईसॉप के केस में कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 990 शेयर्स, और ईसॉप की फेयर वैल्यू कितना है, रेस्ट्रिक्शन वाली देखनी है आपको, ठीक है, 212। ये मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम पर भी बताया था 212 यूज करनी है। तो 990 इंटू 212 करेंगे तो ये आ गया 209880, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ सार। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सार के केस में कितना ऑप्शंस मिल रहे हैं शेयर्स के, 800, एंड इसका फेयर वैल्यू विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला दैट इज 213। तो 800 × 213 = 170,400। ये दोनों क्या आ गए, ईसॉप की फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड, सार की फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड, इन दोनों को माइनस करेंगे 209, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये कितना आ गया 39480। ये आ गया हमारा इक्विटी कंपोनेंट, क्लियर। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये हमने ईसॉप कंपोनेंट अलग से क्यों कैलकुलेट किया, जबकि ये भी तो ईसॉप ही है, ठीक है, ये हमने क्या किया। तो देखो ध्यान से सुनो कि सीईओ को दो ऑप्शन मिले, वो ईसॉप भी ले सकता है, अगर ईसॉप लिया तो हमारा कितना बनेगा 209880, और वो सार भी ले सकता है, अगर उसने सार लिया तो कितना बनेगा 170,400। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अगर उसने ईसॉप लिया तो वो इक्विटी शेयर्स में अमाउंट जाएगा, लेकिन अगर उसने सार लिया तो उसमें कैश जाएगा, क्या जाएगा बोलो, कैश जाएगा। और कैश देना, फ्यूचर में कैश देना, 2 साल बाद वो कैश अगर लेता है तो उसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बनती है कि नहीं, ठीक है। ले तो वो दोनों में से कुछ भी सकता है, इक्विटी शेयर्स भी ले सकता है, कैश भी ले सकता है, लेकिन हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट हमेशा क्या बोलता है, क्या वर्स्ट केस देखो, वर्स्ट केस यही रहेगा कि वो कैश ले लेगा, अगर वो कैश ले लेता है तो हमें आज से ही लाइबिलिटी बनाकर चलनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं 170,400 की क्या बनाने से लाइबिलिटी, और उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपन ने निकाल लिया 39480, इसको हम डाल देते हैं एसबीपी रिजर्व में, तो अब अगर उसने कैश लिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है, और अगर उसने ईसॉप भी लिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी हमने पैसा लला है इससे हम इक्विटी शेयर्स का वो कर देंगे, और बाकी बचा जो अमाउंट एसबीपी रिजर्व वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर उसने 170,400 का कैश लिया है तो हम लाइबिलिटी में से निकाल देंगे, और अगर उसने ईसॉप लिया है तो ईसॉप कितना है, टोटल 209880, तो ये इसका दो अमाउंट निकल आएगा, एक लाइबिलिटी से निकाल लेंगे और एक एसबीपी रिजर्व से निकाल लेंगे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी समझाया था कि हम ऐसे जो छोटा सा अमाउंट अलग से कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कैश लिया तो हमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम पूरा अमाउंट रिजर्व में नहीं डालता, अगर उन्होंने कैश लिया इसके लिए हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। और बात आई कि अगर उसने ऑप्शंस लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइबिलिटी से अमाउंट रिजर्व में डाल देंगे, वहां से पैसा दे देंगे, और बाकी का एसबीपी रिजर्व में है ही है, तो बाकी का इक्विटी का ऑप्शन बचा, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज? नहीं आ रही है तो भाई ये रट लो, और कुछ नहीं होगा। मैं तो 3 बार समझा चुकी हूँ, और ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी समझाया था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये वाली बात रट लो आप, कि आपको ईसॉप कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांटेड माइनस टोटल वैल्यू ऑफ सार एट ग्रांटेड, ठीक है? तो ये वाला अमाउंट हम डालेंगे रिजर्व में, और ये वाला अमाउंट हम डालेंगे लाइब्रेरी में, ठीक है? समझ गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज जो इंस्टीट्यूट ने बनाई है वो दोनों की कंबाइंड बनाई है, यानी कि इक्विटी वालों की और सार की, लेकिन यहाँ मैंने बाइफरगेट करके रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है? बाकी आपको एक बार क्लैरिटी आ गई तो कंबाइन तो आप भी कर सकते हो, एंट्री कंबाइन करने में इतनी दिक्कत तो आती नहीं है, ठीक? तो इस तरीके से हम करेंगे, यानी कि इक्विटी वाले का अलग फॉर्मेट बनाया है मैंने, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, सार वाले का अलग अमाउंट फॉर्मेट क्रिएट किया है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप 2 जनरल एंट्री। पर मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है कि जनरल एंट्रीज बनाने से पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए वर्किंग नोट में। तो चलिए पहले हम चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ, हरे पेन से वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। हर बार यही वर्किंग नोट बनाते हैं हम, और इस वर्किंग नोट का जो हमारा मैजिक फॉर्मूला है वो भी हमेशा सेम रहता है। क्या है वो? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये किसमें रहेगा? जब ईसॉप वाला केस होगा, और नंबर ऑफ सार्स पर एम्प्लॉय जब सार का केस होगा, तो ये ईसॉप का या सार का, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांटेड, ये किसके लिए? ईसॉप के लिए, क्योंकि ईसॉप में ग्रांट डेट वाली ही फेयर वैल्यू लेते हैं, ठीक है? लेकिन सार के केस में कौन सी लेते हैं? एट ईच बैलेंस शीट डेट, ठीक है? तो सार में लेंगे हम हर बैलेंस शीट डेट की अलग, डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से, जो कि था 2 साल, कम से कम आपको 2 साल काम करना है तभी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, इनटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, ठीक है? ये हमेशा फॉर्मूला यही लगाते हैं अपन, उसके बाद अगर कुछ हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया एक्सपेंस तो उसे माइनस करते हैं, हमेशा यही करते हैं ना, सेम फॉर्मूला लगाया है। अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए अगेन मैंने इक्विटी के लिए अलग बनाया है और सार के लिए अलग, ताकि आपको एकदम और अच्छे से क्लैरिटी हो। और क्यों करती हूँ मैं इतना बाइफरकेशन? आपके लिए, बस आपके लिए, ठीक है? अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है हमें 2 सालों में, तो पहले हम देखते हैं 31 दिसंबर 2010, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में। तो ईसॉप का हम ऑलरेडी कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमें कितना रिजर्व में डालना है, 39,480, कितना डालना है? 39,480, और साल कितने हो गए? 2, अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है? 1, तो यहाँ हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 19,740, ठीक? अगेन ईसॉप का टोटल अमाउंट कितना रिजर्व में डालना है? 39,480, टोटल कितने साल हो गए? 2, और वेस्टिंग पीरियड 2, तो ये आ जाएगा 39,480। क्या हम पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में हमने 19,740 किया था, तो 19,740 ये हम माइनस कर देंगे, 1970 आ गया, ठीक है? एकदम सेम इसलिए आया है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है भाई, एक ही सीईओ है, ठीक है? और जो ईसॉप के केस में होता है वो फेयर वैल्यू हमेशा कौन सी लेते हैं? ग्रांट डेट वाली, तो कभी चेंज आएगा ही नहीं, इसलिए दोनों में सेम आया है, ठीक है? बाकी सार के केस में आपको सब कुछ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो ग्रांट वो यहाँ पर जो हम फेयर वैल्यू लेते हैं वो बैलेंस शीट डेट वाली लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 1 ही है, वो सीईओ को दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है? सार के केस में शेयर्स कितने हैं? 800 शेयर्स। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2010 को कितनी है? 220। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया? 1। तो 800 × 220 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 88,000, ठीक है? फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्निशन आ गया इन द केस ऑफ सार। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयज कितने? 1 हमारा सीईओ। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं? 800 शेयर्स का। फेयर वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट, तो 31 दिसंबर 2011 की बैलेंस शीट डेट को कितना है? 232। डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से, कितने साल कंप्लीट हो गए? 2।
800 इंटू 232 ये आ गया 185600, लेकिन ये आया 2 सालों का। क्या हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है? जी हाँ, 88,000 उसको हम कर देंगे माइनस, ये आ गया 97,600। ये आया हमारा सेकंड ईयर का, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का, और ये था हमारा टोटल 2 ईयर्स, 2 सालों का टोटल था 185,600, ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया तो हमें सेकेंड ईयर का आ गया 97,600। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना करना है, इक्विटी के ऑप्शन में ये और स्टार के केस में ये, समझ में आ गया। अब वर्किंग नोट अगर आपको समझ में आ गया तो जनरल एंट्रीज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो 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 ऊपर चलो चलो चलो, एक सेकेंड आ गए। अब देखो एंट्री हमारी क्या बनती थी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, ये किसमें बनती थी, इन केस ऑफ इक्विटी ऑप्शन। और हमारी सार की केस में क्या बनती थी, डेबिट तो वही होगा ना, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, ठीक है ये होगा। अब जो अमाउंट आएगा वो तो आपको ऑलरेडी पता है वर्किंग नोट से, अमाउंट कितना आएगा वर्किंग नोट में हमने पता किया था, इक्विटी केस में 19740 और इसमें 88,000, ठीक है। और ये कब का है, फर्स्ट ईयर एंड का है, दैट इज 31 दिसंबर 2010। नेक्स्ट आएंगे हम 31 दिसंबर 2011, सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे, तो अगेन जो एंट्री होगी वो तो हमारी सेम ही रहेगी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना, एसबीपी रिजर्व क्योंकि ये इक्विटी का है तो उसको हम डालेंगे एसबीपी रिजर्व में, अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है वर्किंग नोट से 19740। इधर आ जाइए, इधर क्या बनेगी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, बस फर्क इतना आएगा टू एसबीपी लाइबिलिटी क्योंकि ये कैश का है, यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट आएगा क्योंकि भाई फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है तो अमाउंट डिफरेंट आएगा, 97,600, क्लियर। अब बात करते हैं कब लिया है उन्होंने, 31 दिसंबर 2012 को, एक सेकंड मुझे चेक करने देना, 31 दिसंबर 2012 को इन्होंने क्या किया, शेयर्स ले लिए, सॉरी शेयर्स नहीं, इन्होंने क्या लिया था, कैश वाला ऑप्शन चूज किया था, कैश वाला, ठीक है, कैश वाला ऑप्शन चूज किया था तो हमारी तरफ से कैश बैंक में से चला जाएगा, कितना जाएगा, तो 2 ईयर्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था याद है आपको, एक एम्प्लॉई था, 800 शेयर थे, फेयर वैल्यू था 232 यानी कि 185,600, कितना था 185,600। ये चाहो तो आप इन दोनों का टोटल भी कर सकते हो, एसबीपी लाइबिलिटी का टोटल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक से पैसा चले जाएगा कितना, 185,600, और डेबिट क्या करेंगे अपनी गुल्लक को, एसबीपी लाइबिलिटी, जो गुल्लक हमने बनाया था कि अगर ये कैश ले जाते हैं, और कैश के केस में गुल्लक का नाम क्या होता है, एसबीपी लाइबिलिटी, ठीक है समझ में आ गया। तो देखो हमने लगा था वो कैश ले जाएंगे, तो कैश के लिए हमने एसबीपी लाइबिलिटी की गुल्लक बनाई थी, और एट द एंड 31 दिसंबर 2012 को जब उन्होंने कैश लिया तो हमने कैश माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जो गुल्लक थी उसको फोड़ दिया यानी कि डेबिट कर दिया। अब बात आती है कि मैम हमने ये जो बनाया इसका क्या करें, और बात यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता इसका क्या करना है, और उन्होंने क्या किया, इसकी एंट्री ही पास नहीं करी, बल्कि गलत है, ये गुल्लक को भी हम फोड़ देंगे भाई, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कैश ले लिया, इक्विटी वाला ऑप्शन लिया ही नहीं,
तो इसको गुल्लक को भी हम फोड़ देंगे। गुल्लक में कितना था टोटल पैसा? 19740। तो ये था 39480। ठीक है, और ये डालेंगे कहाँ? ये इक्विटी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग 39480। ठीक है, ये वाली एंट्री जो मैंने आपको कराई है, ये इंस्टीट्यूट करना भूल गया है, पर आपको करनी है ये एंट्री। ठीक है, जब 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने लाइबिलिटी वाला ये चूज कर लिया है ऑप्शन, तो सिंपल सी बात है, जो बाकी का आपने इक्विटी की गुल्लक बनाई है उसको आप फोड़ देनी है, आपको मतलब नहीं है, वो इक्विटी वाला ऑप्शन आप नहीं चूज कर सकते, तो अब आपको उसके गुल्लक को फोड़ के वो अमाउंट जो है वो रिटेन अर्निंग में डाल देना है। ठीक है, ये वाली एंट्री उन्होंने नहीं कर रही है, पर आपको ये करनी है, समझ गई? इस बात पर मुझे कमेंट करना कि आपका जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसमें इन्होंने एंट्री करी, यानी कि वो क्वेश्चन क्या होता है बाद में ठीक कर देते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे मटेरियल अपडेट होता है तो वो जो भी गलतियां होती हैं वो धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। तो आपके पास जो लेटेस्ट मटेरियल है उसमें उन्होंने एंट्री ठीक करी कि नहीं करी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी ये इक्विटी और सार का कॉम्बो क्वेश्चन था जिसको आपको टोटल दो स्टेप में करना है, बस इतना आप याद रख लोगे, दो स्टेप करना तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाएगा, बाकी पता नहीं क्यों लोगों को इतना कठिन लगता है। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। मिंडा इश्यूड 11,000 शेयर एप्लीकेशन राइट्स। 11,000 इक्विटी ऑप्शंस नहीं है, क्या है? सार। और सार का मतलब क्या होता है? हम अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स नहीं देते, हम अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2010। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना, वेस्ट इमीडिएटली यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ही वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं है। हम अपने वैजिक फॉर्मूला में वेस्टिंग पीरियड लिखते हैं ना, डिवाइड करते हैं वेस्टिंग पीरियड से, इंटू करते हैं वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड से, तो यहाँ पर कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं, कोई भी आपको सर्विस कंडीशन फॉलो नहीं करनी है, 1 अप्रैल 2010 को ही आपको मिल जाएगा ये राइट। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2010 को ही अपन को सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेस्टिंग पीरियड होता तो हम वेस्टिंग पीरियड में बाइफरकेट करते, 3 साल होता तो 3 साल का खर्चा 1, 2, 3 तीनों साल में हम लिखते, बट यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है तो सारा का सारा एक्सपेंस उसी दिन रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, The shares will be settled in cash, ये तो अपन को पता है कि सार में इक्विटी शेयर्स नहीं बल्कि इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश दिया जाता है। आगे देखते हैं, यूजिंग द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एट दैट डेट इट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ अ सार इज ₹100। यानी कि इस दिन की अपन को फेयर वैल्यू भी बताया गया है, कितना है? 100। यानी कि जब हम 1 अप्रैल 2010 को सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू कौन सी इंटू करेगी? 10 वाली। सार कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अंटिल 31 मार्च 2013। बोल रहे हैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कब तक? 31 मार्च 2013 तक, कभी तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड, इतने सालों में आप कभी भी इसे एक्सरसाइज कर सकते हो। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड अलग अलग होता है। वेस्टिंग पीरियड में हम एक्सपेंस को बाइफरगेट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो हमें एक्सपेंस बाइफरगेट करने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा एक्सपेंस हम जो स्टार्ट डेट है वही हमारी वेस्ट डेट है, तो उसी में हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये जो बोल रहे हैं 31 मार्च 2013 तक, ये एक्सरसाइज पीरियड है, यानी कि यहाँ तक हमें एक्सरसाइज कर सकते हैं एम्प्लॉय हमारा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय 94% एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑन 31 मार्च 2011। देखो, अब 1 अप्रैल 2010 को जब हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तो वहां पर तो हमें यही लग रहा होगा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज ही आएंगे, तो हमने यहाँ पर 100% से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया होगा। लेकिन जब 31 मार्च 2011 की बात आई, यानी कि ईयर एंड वन की बात आई,
तो वहां पर ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 94%, यानी कि यहाँ पर जो इंटू करेंगे वो 94% एम्प्लॉयज का करेंगे, ठीक है। और अगर ईयर टू की बात करें तो 91% एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो सेकंड ईयर में हम बात करें 31 मार्च 2012 की, तब ये सिर्फ और सिर्फ 91% से होगा। फाइनली व्हेन दीज वर वेस्टेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ओनली 85% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो वहां पर कितने से सिर्फ और सिर्फ 85%, क्लियर। तो जब हम स्टार्टिंग डेट में करेंगे तब तो पूरा 100% से करेंगे इनटू, क्योंकि तब हमें लग रहा था सारे के सारे एम्प्लॉयज ही एक्सरसाइज कर लेंगे ऑप्शन। लेकिन 31 मार्च 2011 को पता चला सिर्फ और सिर्फ 94%, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 31 मार्च 2012 को 91 और लास्ट 85%। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ सार। जैसे कि आपको पता है कि सार में जो मैजिक फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पर जो फेयर वैल्यू ली जाती है वो ग्रांट डेट की नहीं ली जाती। फेयर वैल्यू कब की ली जाती है, एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पर अलग अलग फेयर वैल्यू होती है और हमें अलग अलग फेयर वैल्यू ही कंसिडर करनी होती है, ठीक है। इसलिए आपको हर साल की फेयर वैल्यू भी गिवन है, यानी कि जब हम ये वाला करेंगे ना 31 मार्च 2011 को, तब हम जो फेयर वैल्यू यूज करेंगे वो 132 होगा। 31 मार्च 2012 को 12 को यूज करेंगे वो 139 होगा और लास्ट में 141 होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड पे ये करेंगे, सेकंड ईयर एंड पे ये, थर्ड ईयर एंड पे ये, क्लियर। पास द जनरल एंट्री, क्वेश्चन की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है आपको जनरल एंट्रीज पास करने हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड नहीं गिवन है, जो भी है वो एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। इसका करेंगे अपन सॉल्यूशन और क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। तो फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, फेट अमाउंट। और जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल एंट्रीज बनाने से पहले जनरल एंट्रीज में जो हमें अमाउंट लिखना है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। तो आइए फटाफट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इट ईच रिकॉग्नाइज ईच ईयर, यानी कि हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा मैजिक वाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड, हर साल कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, नंबर ऑफ सार्स पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट डेट। जैसे कि आपको पता है कि सार के केस में क्या होता है, हर बैलेंस शीट डेट का कंसिडर किया जाता है और लास्ट डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से और इंटू करेंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड डेट तक। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड का कुछ है ही नहीं, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बस इतना वाला करेंगे, ठीक है, बस इतना सा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड का कोई खेल नहीं, बाकी का अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो वो माइनस करेंगे, ये तो हर बार होता ही है। तो चलिए एक सेकेंड, इतना तेज मत ले लिए, वापस ऊपर आइए। हाँ जी, तो जैसे आपको पता है इसमें वेस्टिंग पीरियड तो है नहीं, तो जो हमारी स्टार्ट डेट रहेगी वही हमारी वेस्ट डेट है, ठीक है। तो सारा का सारा एक्सपेंस हमें स्टार्टिंग में ही रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100% ही रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें यही लगेगा कि सब लोग रहेंगे। उसके बाद ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 11,000 और स्टार कितने मिल रहे हैं, 11,000 और फेयर वैल्यू कितना है, ग्रांट डेट का बताना, 1 अप्रैल 2010 का, और फेयर वैल्यू 100 रुपये, वेस्टिंग पीरियड से तो इंटू होगा नहीं ना डिवाइड होगा, वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो 11,000, ये तो सिंपल ही है, 11 लाख आ जाएगा ये तो। इसमें क्या कैलकुलेशन करना, सीधा का सीधा आ जाएगा आपका 11 लाख, ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 1,000 में और कुछ नहीं है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का, सिंपल है ना। अब आते हैं पीरियड नंबर 1 पे, ये कौन से पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड नहीं है,
ये है एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है, ये है एक्सरसाइज पीरियड। हो सकता है 31 मार्च 2011 को भी ले सकते हैं, 12 को भी ले सकते हैं, 13 का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पीरियड वन में अगर देखा जाए, ड्यूरिंग द वेस्टिंग ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 94% रहेंगे, और जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो 11,000 ही मिल रहे हैं। फेयर वैल्यू कितना हो गया, 132। अब देखते हैं 11,000 इंटू 132 इंटू 94% ये आ गया 1364880, यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें तो टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए इतना, लेकिन हमने कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 11,00,000 लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये लेस कर देंगे, यानी कि हमें 264880 और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 264880 हमें और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो ये हम कर देंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। थर्ड आते हैं, वैसे तो थर्ड है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए, पर ये पीरियड टू है, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक। अब कितने एम्प्लॉयज रह गए, सिर्फ और सिर्फ 91%। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 11,000 ही सार मिल रहे हैं। फेयर वैल्यू कितना हो गया, 139। अब यहाँ पर चेक करो, 11,000 इंटू 139 इंटू 91% 1391390, यानी कि अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 11,00,000 और 264880 ये माइनस कर देंगे, 11,00,000 माइनस 264880 ये कितना हो गया, 26510। अब आपको यहाँ पर डाउट आ सकता है कि जब हमने सारा का सारा एक्सपेंस स्टार्टिंग में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो ये अपन क्या कर रहे हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है कि सार में फेयर वैल्यू जो है वो हर बैलेंस शीट डेट पर रिकॉग्नाइज की जाती है, हर बैलेंस शीट डेट की उठाई जाती है, तो अब ये 100 से 132 हो गई, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज करना है, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया, सारा का सारा एक्सपेंस हमने यही रिकॉग्नाइज किया था, यहाँ बस हमने एक्सपेंस को रीमेजर्ड किया है, कि पहले हमें लग रहा था 11,00,000 है, तो हमने सारा का सारा 11,00,000 कर लिया, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि फेयर वैल्यू बढ़ गया है, तो अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 13,64,880, ठीक है। तो हमें यानी कि ये वाला एक्सपेंस और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रीमेजर्ड किया है। उसी तरीके से यहाँ पर 132 से 139 हो गया, फेयर वैल्यू बढ़ गया, तो हमें एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 1391390, जिसमें से कि फर्स्ट ईयर में हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब एक्स्ट्रा हमें ये और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यहाँ भी हमने रीमेजर्ड किया है, ठीक है। लास्ट आते हैं पीरियड थ्री पर, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013, यहाँ पर कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ 85% एम्प्लॉयज। सार कितने मिल रहे हैं, 11,000। फेयर वैल्यू कितना हो गया, 141। अब इसको चेक करते हैं, 11,000 इंटू 141 इंटू 85% ये आ गया 1318350। अब हम देखते हैं एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, तो पहले हम ये वाला रिकॉग्नाइज कर चुके थे 11,00,000, इसको माइनस करते हैं, फिर हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके और 264880, फिर हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके 26510, ये हम तीन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके। अब देखते हैं 13,18,350 ये हमें लास्ट उनको पेमेंट करना है, ठीक है, 13,18,350। तो हम देखते हैं हमने एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज कर चुका, 11,00,000 माइनस 264880 माइनस 26510, ओहो 73040 अब मैंने ओहो क्यों कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि ये वाला जो बैलेंस है हमारा वो निगेटिव में आया है भाई, निगेटिव में आया है। क्या निगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने हो सकता है पहले एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिया हो,
और जो एट द एंड एम्प्लॉय एक्सपेंस आ रहा है वो कम आ रहा है। अच्छा ऐसे क्यों हुआ होगा? तो सिंपल लॉजिक ही बात है कि पहले हम 91% से कर रहे थे, अब 85% ही रह गए। फेयर वैल्यू में तो देखो सिर्फ 2 रुपए से बढ़ाए, लेकिन जो एम्प्लॉयज है वो हमारे बहुत कम हो गए। तो जब एम्प्लॉयज कम हो गए तो हमें एक्सपेंस भी कम रिकोगनाइज करना है, क्लियर? और एक्सपेंस कम रिकोगनाइज करना है तो हमने अगर ऑलरेडी ज्यादा एक्सपेंस रिकोगनाइज कर रहा है तो हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है? तो निगेटिव बैलेंस आया तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रीमेजर तो करा ही है खर्चा, साथ के साथ रिवर्स्ड भी करना है, ठीक है? यानी कि जो हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ उसे हम उल्टा मार देंगे, उसे हम रिवर्स कर देंगे, क्लियर? अब यहाँ पर हम 11,264,880, 26,510 और 73,040, ये सारा एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं अमाउंट का। अब हम चलते हैं अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ। अब जनरल एंट्रीज आसान बन जाएंगी एक बार आपने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो। चलिए जनरल एंट्री के फॉर्मेट पर चलते हैं। कहाँ गया भाई, अभी तो बनाया था मैंने, आएगा, आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी वेस्टिंग पीरियड तो है नहीं, तो हमारी स्टार्ट डेट ही वेस्ट डेट बन जाएगी 1 अप्रैल 2010, और एंट्री वही हमारी रटी रटाई सार वाले केस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सार के केस में क्या होता है, एसबीपी रिजर्व नहीं, एसबीपी लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर्स नहीं देते, यहाँ पर हम देते हैं कैश, और अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 2011, एंट्री क्या बनेगी, सेम। मैडम सारा तो एक्सपेंस हमने पहले दिन ही कैलकुलेट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप फिर से एंट्री क्यों मार रही हो, फिर से एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो? ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे पूरा का पूरा, हमने सिर्फ एक्सपेंस को रीमेजर्ड किया है, और जब रीमेजर्ड किया तब पता चला 264,880 का और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और एड करना पड़ेगा, इसलिए हमने और से एसबीपी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। फिर आते हैं सेकेंड ईयर के एंड पे, यहाँ पर भी हमें वही करना है कि एक्सपेंस और बढ़ चुका है फेयर वैल्यू की वजह से, फेयर वैल्यू बढ़ा तो एक्सपेंस बढ़ा, तो हमें और डालना पड़ेगा गुल्लक में पैसा। गुल्लक का नाम क्या है, एसबीपी लाइबिलिटी। अब कितना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, 26,510, यही था ना। हाँ ये वर्किंग नोट में आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, ये मत पूछना ये कहाँ से आ गया, सब करा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं हमारी मेन 31 मार्च 2013, यहाँ पर क्या होगा, गुल्लक में पैसा ज्यादा भर गया है, तो गुल्लक को खाली कर दो थोड़ा सा, एंट्री को मार दो उल्टा, रिवर्स करना है ना, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, एसबीपी लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने से, 73040, सिंपल। और इसी डेट पर 31 मार्च 2013 को ही अपन ने उनको पेमेंट कर दिया होगा टू बैंक अकाउंट से, तो किसमें से पेमेंट करेंगे, गुल्लक जो बनाई थी उसे ही खाली करो, तो गुल्लक खाली कर देंगे, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा जो थर्ड ईयर का अमाउंट कितना था, वो था टोटल 13,18,350, ये चाहो तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे गुल्लक में पैसा गया था 11 लाख, में प्लस करना ये, फिर प्लस करना ये, और माइनस कर देना ये, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टी एंट्री बनाई है, ठीक है, माइनस कर देना ये। आप ऐसे करोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है, कि गुल्लक में एट द एंड कितना पैसा है और हमें लोगों को कितना पैसा देना है, इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक ही सिनेरियो से करा रही हूँ, ठीक है, हर बार पैटर्न चेंज नहीं करती, चेंज करोगी तो आपको कठिन लगेगा, फालतू में आपका ज्यादा दिमाग खराब होगा, इसलिए मैं एक ही पैटर्न में क्वेश्चन कराती हूँ एक ही फॉर्मूले के साथ। तो इसका फीडबैक मुझे जरूर दे दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इस क्वेश्चन में हाँ ध्यान रखना है बस आपको अमाउंट में, बाकी अगर आप एंट्री देखोगे तो भाई वही रटी रटाई एंट्री है तीनों में, और रिवर्स करनी है तो बस उल्टा कर देना है, और बाकी ये तो सार के केस में आपको पता ही है। तो
एंट्री वही रटी रटाई है, बस आपको क्या करना है अमाउंट पे फोकस करना है, वर्किंग नोट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट कराया है जनरल एंट्रीज वर्किंग नोट इसी तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है, इसी तरीके से तभी फुल मार्क्स आएंगे आपके। इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर एक, तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। पी लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, यानी कि 400 क्या दे रहे हैं ये लोग, सार दे रहे हैं। सार का मतलब क्या होता है, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सार का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर नहीं देते, इक्विटी शेयर के बेसिस पर कैश देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सार। कितने मिल रहे हैं, 400 स्टॉक ईच, 275 एम्प्लॉय, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपन को पता चल गए और अपन को सार पता चल गई। कब की बात है, ऑन 1st अप्रैल 2011 विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 200। क्या बात है, यानी कि अपन को जो फॉर्मूले में चाहिए होता है वो तीनों चीजें गिवन है। आगे देखते हैं, द टर्म्स ऑफ द अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 4 ईयर्स। बोल रहे हैं अगर आपको ये चाहिए, यानी कि अगर आपको हमारे साथ चाहिए, तो आपको कम से कम हमारे कंपनी में कितना काम करना पड़ेगा, 4 साल, ये हमारी सर्विस कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेस्टिंग पीरियड। आगे देखते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच स्टार एट ईच रिपोर्टिंग डेट इज एज फॉलोस। अब आपको जैसे पता है कि ईसॉप के केस में क्या होता है, वही वाला फेयर वैल्यू यूज होता है जो ग्रांट डेट पर होता है, लेकिन सार के केस में जो हर बैलेंस शीट डेट पर होता है वो वाला फेयर वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने हर बैलेंस शीट डेट के, यानी कि चारों साल के, आपको क्या दे दिया है, फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये रे नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ सर्विस दैट इज एट 31st मार्च 2013, यानी कि इस वाले की बात हो रही है इस ईयर की, ठीक है, ये है इनका ईयर 2। पी लिमिटेड मॉडिफाइज द टर्म्स ऑफ द अवार्ड टू रिक्वायर्ड ओनली 3 ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ले आए, अगर हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ले आए, एक चेंज लेकर आए, किसमें, वेस्टिंग पीरियड में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वही है, सार भी वही है, ये दोनों सेम है, ठीक है, फेयर वैल्यू तो यही वाली यूज करनी है, लेकिन बोल रहे हैं अगर ये वाली डेट को 31st मार्च 2013 को अगर ये बोले कि अब सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए, 3 साल, यानी कि पहले कितने थे, 4 साल, तो हमने स्टार्टिंग में 4 साल यूज किया होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर सेकेंड ईयर में हम 3 साल कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है, बस इतना ही बोला है उन्होंने, यानी कि आगे कुछ क्वेश्चन बोला नहीं है। इसका मतलब है कि हमें ये मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन दोनों ही करना पड़ेगा, यानी कि एक बार हमें ये सोचकर करना पड़ेगा कि वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4 साल, और एक बार हमें ये सोचकर करना पड़ेगा कि सेकंड ईयर से वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 3 साल, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आसान है, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। मैम लिखा तो नहीं था वहां पर कि जनरल एंट्रीज बनानी है, पर वहां पर कुछ लिखा भी तो नहीं था कि करना क्या है, तो ऑब्वियसली बात है ना, अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज का फटाफट फॉर्मेट क्रिएट करो, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये दो बार क्यों बनाया मैंने जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट, क्योंकि एक बार हम करेंगे विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है, आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करना है, तो हमें अपनी समझदारी से जितना ज्यादा हो सकता है वही करेंगे, विद विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन दोनों। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 4 साल रहेंगे वेस्टिंग पीरियड, और यहाँ पर सेकेंड ईयर से हो गया था 3 साल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाने से पहले हम करते हैं वर्किंग नोट। जनरल एंट्रीज का अमाउंट हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आइए बराबर वर्किंग नोट पर, अरे क्या हो गया, मैं हाईलाइट कर रही थी वो पेन चल गया, अरे कोई नहीं, वर्किंग नोट में हमारा वही रहेगा, क्या हो रहा है आज,
ऊपर जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, मतलब हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो मैजिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, नंबर ऑफ सार्स पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को कितने सार्स मिल रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट डेट। ये आपको बार बार मैं याद दिला दूं कि सार के केस में हर बैलेंस शीट डेट का फेयर वैल्यू यूज होता है, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से और इंटू करेंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो भी हम दो पार्ट में करेंगे, यानी कि विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन की। फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है, 31 मार्च 2012। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 75, हर एम्प्लॉय को कितने सार मिल रहे हैं, 400, और वो कितना था फेयर वैल्यू, बैलेंस शीट डेट का बताना है 210, और वेस्टिंग पीरियड 4। ठीक है, तो 75 × 400 × 210 / 4 ये आ गया 15,75,000। कितना आ गया, 15,75,000। तो ये हमारा पहले ईयर का हो गया, सही है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं 31 मार्च 2013 का। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 400 सार दिए गए हैं और फेयर वैल्यू में चेंज आ जाएगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट का है 220 डिवाइड बाय करेंगे 4। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो 75 × 400 × 220 / 4 करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटू भी तो करेंगे, कितना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंटू टू ये हो गया 33,00,000। अब जैसे कि आपको पता है ये कितने सालों का है, 2 सालों का, तो इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे, तो 33,00,000 - 1575 ये आ गया 17,25,000। 17,25,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर का। अब आते हैं अपन थर्ड ईयर पर, 31 मार्च 2014। यहाँ पर जो यूज होगी फेयर वैल्यू वो यूज होगी 215, 215 डिवाइड बाय 4 करेंगे। अभी तक कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, 3। इंटू करो फटाफट, 75 × 400 × 200, मैं अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रही, 215 डिवाइड बाय 4 × 3 ये आ गया 48,37,500। इसमें से माइनस कर देंगे जो हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, दैट इज 15,75,000 माइनस 17,25,000। कितना आ गया बताओ, 15,37,500। ठीक है, आगे बढ़े, 31 मार्च 2015 अगेन 75 × 400, बस जो चेंज आएगा वो फेयर वैल्यू में आएगा जो कि है 218 डिवाइड कर देंगे 4 से, इंटू कर देंगे 4, क्योंकि अब 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए, तो 75 × 400 × 218 ये आ जाएगा 65,40,000। इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे, 15,75,000। सेकेंड ईयर का माइनस कर देंगे, 17,25,000। थर्ड ईयर का माइनस कर देंगे, 15,37,500। 15,75, 17,25, 15,37,500 ये गया 17,02,500। 17,02,500 ये आ गया फोर्थ ईयर, समझ गए, 15,37,500 और 17,02,500, 15,75, 17,25, चारों सही है, सही है।
तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया पार्ट, दैट इज विदाउट मॉडिफिकेशन। अब हम करेंगे विद मॉडिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम फटाफट कर दो। 31 मार्च 2012 को 75 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय को 400 सार मिल रहे हैं और बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू 210 है, डिवाइड कर देंगे 4 से तो सेम आ जाएगा आंसर 15,75,000। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, 31 मार्च 2013। यहाँ पर ध्यान देना, 75 × 400 × 220। यहाँ जो डिवाइड करेंगे ना उस पर ध्यान देना, डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि वो बोल रहे हैं सेकंड ईयर में कि अब 4 साल वेस्टिंग पीरियड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना है 3 साल। तो वेस्टिंग पीरियड जो हम पहले 4 साल कर रहे थे, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में तो लग रहा था 4 ही होगा, लेकिन अब वो कितना हो गया है 3। अब कितना हो गया वेस्टिंग पीरियड 3। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अब तक वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया 2। 75 × 400 × 220 / 3 × 2 ये हो गया 44 लाख। अच्छा ध्यान देना, इसमें से ऑलरेडी वाला रिकॉग्नाइज माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरे 2 सालों का है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे 1575, तो ये आ गया 28,25,000। 28,25,000 समझ में आ रहा ना, सिर्फ वेस्टिंग पीरियड में चेंज है और कुछ नहीं। 31 मार्च 2014, 75 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 400 क्या है सार, यहाँ पर बैलेंस शीट डेट पर चेंज हो गया होगा, फेयर वैल्यू कितना था 215। अगेन वेस्टिंग पीरियड अब कितना हो गया 3, और वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट भी 3 हो गया। 75 × 400 = 215, ये आ गया 64,50,000। यानी कि टोटल जो हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो 64,50,000 करना है 3 सालों में, जिसमें से कि हम फर्स्ट ईयर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 1575, फिर 28,25, ये हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो इसमें से माइनस कर देंगे 1575,000 / 28,25,000, ये आ गया 20,50,000। 20,50,000, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। बस फर्क क्या है विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ पर जो हमने वेस्टिंग पीरियड यूज किया है वो हमेशा 4-4-4 यूज किया है। ठीक है, बाकी का वही मैजिक फॉर्मूला लगाया है और कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर में तो 4 लगाया था, लेकिन सेकेंड ईयर में उन्होंने बोला कि अब 4 नहीं, अब सिर्फ 3 सालों में ही आपको जो सार है वो मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 31 मार्च 2015 को क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2014 को ही क्या हो गया होगा, सार दे दिए गए होंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो चलो अब फटाफट से जनरल एंट्रीज की तरफ। जनरल एंट्री सबसे पहले कब बनेगी, 31 मार्च। आज पर्पल पेन से लिखे हैं क्या, ब्लू पेन को छोड़ के, 2012 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और डेबिट टू, सार के केस में क्या बनता है, एसबीपी रिजर्व या लाइबिलिटी, एसबीपी लाइबिलिटी, कितने से बनेगी, 15,75,000। पर्पल कलर अलग ही लग रहा है ना। नेक्स्ट 31 मार्च 2013 सेम एंट्री, जो रटी रटाई एंट्री है ना, बार 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 वही लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ अमाउंट पे आपको फोकस करना है, जो कि हम वर्किंग नोट में करते हैं, बाकी की एंट्रीज आपको वही रटी रटाई लिखनी है, कोई समझने वाली बात नहीं है। एक बार समझा दिया कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्यों डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हम कैश देने वाले होते हैं, इसलिए 4 साल बाद हम कैश देने जाएंगे, इसलिए शेयर देने होते तो रिजर्व बनाते। क्लियर, अच्छा यह क्वेश्चन में अगर आप स्टडी मटेरियल देखो तो वहां पर आपको पी एंड एल अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पर आपको पी एंड एल अकाउंट दिख रहा होगा, तो एट द एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एंड एल अकाउंट में, तो उन्होंने वहां पे इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है,
आप इसके आगे भी लिख सकते हो ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बाकी इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2000, चारों साल बनेगी ना इसमें तो एंट्री। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी 17,02,500, ठीक है। यही सारे अमाउंट है, 1575, 1725, 1537,800, 500 और 17,200, बस यही सारी एंट्री थी। अब यही सारी एंट्री आपको यहां पर मारनी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी। यहां ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में बनेगी, चौथी साल में कोई एंट्री नहीं बनेगी। तब तक तो भाई साल दे ही दिए गए होंगे, तो फिर काय बात की एंट्री। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, विद मॉडिफिकेशन और विदाउट। ये अमाउंट में ऑलरेडी कैलकुलेट करा चुकी हूँ वर्किंग नोट में। 1575 था, सेकंड वाले का 2825 था। बस एक बार आपको मैजिक फॉर्मूला लगाने आ जाए ना, तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा इंडिया 102। 2050,000 बस अमाउंट कैलकुलेट करने आ जाए, बाकी तो भाई एंट्री में तो कुछ नहीं है। वो तो हमारा मॉड्यूल है जो मौज लेता है, फालतू के मजे लेता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह पीएनएल लिख देता है, ताकि बच्चे थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ी सी उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाए, बस इसलिए। बाकी की अगर देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं है, वही हमारी रटी रटाई एंट्री। एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है एंट्रीज का, फिर तो आपके हाथों पर खुद ही सेट हो जाएंगे, आपके मुंह पे अपने आप रट जाएंगे। मेन जो आपको फोकस करना है वो हमेशा, मैं कहती हूँ हमेशा ही हमेशा, अमाउंट पे फोकस करना है। इसलिए अमाउंट को पहले से ही वर्किंग नोट में आराम से कैलकुलेट करके रख दूँ, फिर एंट्री 2 मिनट में चुटकी भर में हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा चेंज था, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्वेश्चन अधूरा था, उन्होंने बताया ही नहीं था क्या करना है। जब क्वेश्चन इतना ज्यादा अधूरा हो कि उसने कुछ बताया नहीं हो, तो आपको सब कुछ कर देना है, ठीक है। क्योंकि भाई हमें तो मार्क्स लाने हैं, हमें तो सब कुछ कर देना है, ठीक है। वहां पर खाली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके नहीं आएंगे, प्रॉपर जनरल एंट्रीज बना के आएंगे, वो भी दोनों में, विद मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन, और प्रॉपर वर्किंग नोट में उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करके आएंगे। जब भी क्वेश्चन अधूरा हो तो आपको काम पूरा करके आना है, तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं अरे वो मजे ले रहे हैं तो हम और ज्यादा मजे ले लें, भाई मजे वो ले सकते हैं, ठीक है, जिस स्टेज पर हम है मजे वो ले सकते हैं, हम नहीं। तो इसलिए समझदार बन जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसे देखते हैं। Q&A Limited had on 1st April 2011 granted 1000 share option each to 2000 employees. Number of employees सीधा given है कि 2000 हमारे employees है जिनको हमने 1000 options दिए हैं। तो ESOP भी given है और number of employees भी। आगे देखते हैं। The options are due to vest on 31st March 2014. ये क्या थी हमारी 1 अप्रैल 2011 और ये हमारी 31 मार्च 2014। टाइम पीरियड क्या हो गया बताओ, 3 ईयर्स। तो ये हमारा वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 ईयर्स। प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज रिमेन एम्प्लॉयड टिल 31st मार्च 2014। वही बोल रहे हैं कि 2014 को ये वेस्ट हो जाएंगे ऑप्शन, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, 31 मार्च 2014 तक यानी कि 3 साल तक हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा। यही हमारी क्या है, सर्विस कंडीशन, और वही हमारा क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड। सिंपल है अभी तक। नंबर ऑफ ऑप्शंस 2000 और जो सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2000, ऑप्शन 1000 और वेस्टिंग पीरियड 3 साल। आगे देखें। ऑन 1st April 2011 द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एस्टिमेटेड दैट 1800 एम्प्लॉय वुड क्वालिफाई फॉर द ऑप्शन ऑन 31st मार्च 2014। तो आपको जैसे पता है कि हम क्वेश्चन करते हैं और हर बैलेंस शीट डेट पर हमें अलग अलग एम्प्लॉयज भी दे रखे होते हैं कभी कभी, तो वही यहाँ पर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अलग अलग दे रखे हैं, बोल रहे हैं 31st मार्च 2014 को कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, 1800, ठीक है। लेकिन ये कौन सी बात है, ये ईयर एंड 3 वाले की बात है, ठीक है। लेकिन हम तो पहले ईयर 1 की तो करेंगे। ईयर 1 का हुआ हमारा 1st अप्रैल 2011 के 31 मार्च 2012, तो 31 मार्च 2012 हो जाएगा हमारा ईयर 1 का एंड,
और उसके लिए कितने एम्प्लॉयज दे रखे हैं देखते हैं। दिस एस्टिमेट वाज अमेंडेड टू 1850 एम्प्लॉयज ऑन 31 मार्च 2012। ये है हमारा ईयर एंड, ये हमारा ईयर एंड फर्स्ट वाला 31 मार्च 2012। तो हम कितने एम्प्लॉयज लेंगे इस दिन, इस दिन हम लेंगे 1850, ठीक है। एंड फर्दर अमेंडेड टू 1840 एम्प्लॉयज, ये कब की बात है, 31 मार्च 2013, यानी कि सेकेंड ईयर एंड की, सेकेंड ईयर एंड की। तो फर्स्ट ईयर में अपन ये वाले लेंगे 1850 और सेकेंड ईयर में अपन ये वाले लेंगे 1840, ठीक है, और थर्ड ईयर में ये वाले 1800, क्योंकि 31 मार्च 2014 को ये। तो हर ईयर एंड के अपन को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिफरेंट दिए हैं और वही अपन को डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करना है, क्लियर। आगे देखते हैं, ऑन 1st अप्रैल 2011 द फेयर वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन वॉज 1.20। 1st अप्रैल 2011 यानी कि ये बात हो गई हमारी ग्रांड डेट की, और आपको पता है ईसॉप में जो फेयर वैल्यू लेते हैं वो हम हर साल कौन सी वाली लेते हैं, ग्रांड डेट वाली, ठीक है। सार में अलग अलग लेते हैं लेकिन ईसॉप के केस में कौन सी लेते हैं, ग्रांड डेट वाली, यानी कि हमेशा आप क्या लोगे, 1.20। आगे देखो, द फेयर वैल्यू इंक्रीज टू 1.30 एज ऑन 31 मार्च 2012। अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन के लिए 31 मार्च 2012 यानी कि ईयर एंड की फेयर वैल्यू दे रखी है, जबकि ईसॉप के केस में हम ईयर एंड वाली नहीं लेते, कौन सी लेते हैं, ग्रांड डेट वाली। तो हम कौन सी लेंगे, 1.20। आगे देखो, बट ड्यू टू चैलेंजिंग बिजनेस कंडीशन द फेयर वैल्यू डिक्लाइन दे रहा है, बोल रहे हैं आगे जाके हमारी जो फेयर वैल्यू है कम हो गई है। इन सेप्टेम्बर 2012 कब की बात हो रही है, टोटल 3 साल है जिसमें अभी तक 1 साल तो खत्म हो चुका है। 1 साल कौन सा खत्म हो चुका, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012। और कौन सा साल का, और कितना टाइम खत्म हो गया, 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 सितंबर 2012, यानी कि 6 महीने, यानी कि 1.5 साल खत्म हो गया, 1.5 साल खत्म हो गया, ठीक है। देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, सितंबर 2012, कब की बात कर रहे हैं, सितंबर 2012, यानी कि 1.5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 साल बाद क्या हुआ, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑप्शन वाज 0.90, ओ गॉड, फेयर वैल्यू जो है वो हमारी बहुत नीचे आ चुकी है 0.90। द डायरेक्टर रिप्राइज द ऑप्शन एंड दिस कॉज द फेयर वैल्यू टू इंक्रीज 1.05, बोल रहे हैं फिर डायरेक्टर ने इसको रिप्राइज किया और ये कितना हो गया 1.05, क्योंकि फेयर वैल्यू कम हो जाता है तो भाई दिक्कत हो जाएगी एम्प्लॉयज को, इसलिए इन्होंने रिप्राइज करके इसको बढ़ा दिया। तो पहले कितना था 0.90, अब कितना हो गया 1.05 में से 0.90 यानी कि 0.15 से बढ़ा दिया, 0.15 से बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये हमारा और खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा, समझ में आ रहा है क्यों हो गया एक्स्ट्रा खर्चा, क्योंकि फेयर वैल्यू था 0.90 लेकिन हमने उसको रिप्राइजिंग करके 1.05 कर दिया, यानी कि 0.15 से हमने फेयर वैल्यू को बढ़ा दिया। आगे देखते हैं, अरे 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 इतना भी आगे नहीं, एक सेकंड रुकना बस, अभी पहुंच जाते हैं आगे की। ये रहा, कंडीशन इंप्रूव्ड इन द सेकंड हाफ द ईयर ऑफ द ईयर एंड By 31st March 2013, the fair value of an option was 1.25। और फिर कंडीशन हमारी ठीक हो गई और आगे वो सही हो गया। QA Limited ने क्या डिसाइड किया, that the additional cost, ये मैंने आपको बताया था ना जो additional खर्चा है 0.15 का, ये additional cost का क्या करना है ये हमको बता रहे हैं। Due to repricing of the option on 30 September 2012 को जो हुआ था repricing वगैरह, और जिसकी वजह से ये जो extra खर्चा हुआ था इसका आपको क्या करना है, शुड बी स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, जो आपका बाकी का रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है उसमें आपको क्या करना है, वेस्ट करना है। अब मुझे ये बताओ, 1.5 साल तो हमारा खत्म हो चुका, पहला साल पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद 6 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 3 साल टोटल थे, उसमें से 1.5 साल खत्म हो गया, तो अब कितना बचा, 1.5 साल, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर उन्होंने लिख भी दिया 30 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2012, यानी कि कितना, 1.5 साल, खुद बता रहे हैं भाई। अगर नहीं बताएं तो आप खुद ही देख लेना कि 3 साल में से 1.5 साल कंप्लीट हो गया, तो अब जो रिमेनिंग पीरियड बचा वो 1.5 साल ही है। तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना 0.515 का, ये आपको 1.5 साल में ही रिकॉग्नाइज करना है। आगे देखो, सजेस्ट द सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन एज ऑन 31st मार्च 2013। अच्छा यहाँ पर एक देखो,
अलग चीजें नोटिस करने वाली, जो वेस्ट डेट है हमारी कब होंगे वेस्ट, ऑप्शंस वेस्ट होंगे 31 मार्च 2014 को, यानी कि ईयर एंड थ्री को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे अकाउंटिंग मांगी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी मांगी है, ईयर एंड टू की, ईयर एंड तक की, ठीक है, ईयर एंड टू की, यानी कि ईयर वन की आपको और ईयर टू बस यहाँ तक देनी है, दैट इज 31 मार्च 2013 तक, ये वाली आपको अकाउंटिंग नहीं करनी, क्लियर। तो वेस्ट ही नहीं होंगे तो कोई जनरलिटीज या फिर कुछ करना ही नहीं है आपको कि वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बस 31 मार्च 2013 तक का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देना है और बात खत्म, समझ गया। देखो दो तरीके की चीजें करनी है, पहला जैसा आपका एक्सपेंस होता है वो रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है दैट इज 0.15 ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, बस इतनी सी बात है। देखो क्वेश्चन समझाने में मुझे बहुत टाइम ले लिया है बट आंसर इसका जल्दी हो जाएगा, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडिया 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इस ईयर, तो हर साल का हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, और हर साल का मतलब 3 में से सिर्फ 2 साल का, क्योंकि उन्होंने 2 साल का ही मांगा है, ठीक है। और एक्सपेंस हम उसी से रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमारा मैजिक फॉर्मूला है, जो हमने हर क्वेश्चन में यूज किया है। क्या था वो मैजिक फॉर्मूला, ये हर बार मैं क्यों बोलती हूँ मुझे बताया, आप बोर हो गए होंगे बट इसलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, एक इंडियस एकदम ऐसे छप जाए ताकि आप जब दूसरे इंडियस पे जाओ तो पहला आप भूलो नहीं, इसलिए बोलती हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो आपको देखने है। फिर हर एम्प्लॉय को कितना ऑप्शंस मिल रहा है, फेयर वैल्यू ध्यान देना ग्रांडेड वाली लेनी है, ईयर एंड वाली नहीं, क्योंकि ये ईसॉप का केस है सार का नहीं। आगे डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से और इंटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड जितना कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अगर कोई और एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो उसको हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हमें 3 साल में से सिर्फ 2 साल का ही काम करना है, तो वही अपन करेंगे, ईयर 1 जो कि एंड होता है 31 मार्च 2012 को, और ईयर 2 जो कि एंड होता है 31 मार्च 2013 को, क्लियर, बहुत सिंपल। अब देखो 31 मार्च 2012 को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, एक बार मैं देख लूँ, 1850, और हर किसी को ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 1000। फेयर वैल्यू कितना था ग्रांड डेट पर, 1.20, यही था ना, डिवाइड कर देंगे 3 से क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 3 है, और इंटू कर देंगे 1 से क्योंकि वेस्टिंग पीरियड अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 1। तो 1000 × 1850 × 1.20 / 3 ये आ गया 740,000, कितना आ गया 740,000, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, अब कितने एम्प्लॉयज हैं 31 मार्च 2013 को, देखना है चेंज हो गया होगा, ध्यान से देखो चेंज हो गया होगा, 1840 हो गया, 10 एम्प्लॉयज और कम हो गए, कितने रह गए 1840। अब हम 1840 को ही कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना मिल रहा है 1000, फेयर वैल्यू ग्रांडेड वाली लेंगे दैट इज 1.20, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड दैट इज 3, और अब कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया 2, तो कैलकुलेट करो 1840 × 1000 × 1.20 / 3 × 2, 1472,000, 1472,000, ठीक है। अब ध्यान रखना ये कितने सालों का है, ये टोटल 2 सालों का होगा, 2 साल से अपन ने इंटू किया है तो इसमें से माइनस करेंगे जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ईयर का कितना है, ठीक है, तो 2 सालों में से जो फर्स्ट ईयर का है उसका माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेकंड ईयर का, देखते हैं कितना आता है, 740,000 माइनस करो 732,000, 732,000, तो ये हो गया हमारा खत्म। अरे मैम इसमें जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट था उसका तो अभी तक एडजस्टमेंट किया नहीं, करेंगे बेटा करेंगे, एक सेकंड रुको, वो भी करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, जो अभी तक हम सिंपल अकाउंटिंग करते थे वो यही करते थे कि हर साल का एक्सपेंस हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे, जो कि आया आपका 740 और 732, ठीक है। अब बात आती है एडिशनल कॉस्ट की, पिंक पेन से लिख लूं, अब बात करते हैं एडिशनल कॉस्ट की। अब इसमें कुछ अलग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी वही रहेगा, पर ध्यान दो जब हम ईयर टू
एंड का करेंगे, ईयर टू एंड का, ठीक है, ईयर टू एंड का करेंगे 31 मार्च 2013 का। तो ध्यान रखेंगे कि ये कब से कब तक होगा, सितंबर, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च। तो ये सिर्फ और सिर्फ रहेगा 6 मंथ, ठीक है। मैम आप तो कह रहे थे 1.5 साल में करेंगे, 1.5 साल में करेंगे, लेकिन 6 मंथ का यहाँ तक करेंगे 31 मार्च 2013, और बाकी का जो 1 साल है वो करेंगे 31 मार्च 2014 को। टोटल हो गए 1.5 मंथ। अब 31 मार्च 2014 को उन्होंने अभी बोला नहीं है, ठीक है, तो नहीं तो हम एक और कर देते 31 मार्च 2014, लेकिन अभी हम सिर्फ एक का ही करेंगे जो कि है ईयर टू एंड का 31 मार्च 2013। तो 6 मंथ का होता है। अच्छा यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ईयर एंड टू पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, 1840, सबको ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, 1000। एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है, 0.15 थी शायद, 0.15 अपन ने कैलकुलेट करा था, है ना, हाँ सही है। और नीचे कितना आएगा, 1.5 साल, ठीक है, क्योंकि अपन को ये जो टोटल खर्चा हो रहा है 1840 को 1000 पर, 0.15 का ये जो हमारा एडिशनल खर्चा लग रहा है ये 1.5 साल में हमें रिकॉग्नाइज करना है, 1.5 साल में, ठीक है। लेकिन अभी तक सिर्फ कितने कंप्लीट हुए हैं, 0.5 ईयर, क्योंकि 6 महीने ही है। तो 1840 × 1000 × 0.15 / 1.5 × 0.5 = 92,000, कितना आ गया, 92,000। समझ में आया ये एडिशनल कॉस्ट किसका है, हाईलाइट कर दूं इसे, ईयर टू के एंड का, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ईयर टू के एंड का, जो कि हमारा 30 सितंबर से 31 मार्च का, दैट इज 6 महीने। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही कैलकुलेट किया है और वो आया है हमारा 92,000, ठीक है। अच्छा अगर मुझे ईयर टू का टोटल एक्सपेंस निकालना हो, तो ईयर टू का टोटल एक्सपेंस कि हमने कितना रिकॉग्नाइज किया है, ईयर टू एंड का टोटल अगर अपन को निकालना हो, तो देखो 7/32 + 92,000, ये क्या है, एडिशनल। तो ईयर टू का अगर टोटल निकालना हो तो 7/32 में प्लस कर देंगे, आ गया 8,24,000। तो आप जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है उसको डरना मत, देखो उन्होंने कैसे दिया है, उन्होंने फर्स्ट ईयर का दिया है, पहले एक बार मैं मॉड्यूल खोल लूंगा। फर्स्ट ईयर का टोटल दिया है उन्होंने 7,40,000। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो फर्स्ट ईयर में कोई एडिशनल कॉस्ट थी क्या, नहीं, क्योंकि जो काम हुआ है वो 30 सितंबर 2012 को हुआ था, 30 सितंबर 2012 को, और ये तो खत्म हो जाता है 31 मार्च 2012 को। तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, तो टोटल फर्स्ट ईयर का ही कितना आया था, 7,40,000। तो वहां पर आपको जो टोटल दे रखा है, पहले आपको दे रखा है पर पीरियड 7,40,000, और सेकंड ईयर का जो टोटल है वो कितना दे रखा है, 8,24,000। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 8,24,000 कैसे दे रखा है, तो वो 8,24,000 इन दोनों को मिक्सअप करके दे रखा है, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट वाला 92,000 और ये जो ओरिजिनली हम जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो, इन दोनों का एडिशनल दे रखा है 7,32,000। अगर आप मॉड्यूल में एक और चीज देखें तो वहां पर उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो क्यूमुलेटिव उन्होंने दिया है, क्यूमुलेटिव उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने क्यूमुलेटिव नहीं किया, एक सेकेंड क्वेश्चन निकाल दूं मैं वाला आंसर कौन सा था, 9 ना, पूछ तो ऐसे रही हूँ जैसे आप बोली लोगे, चलो कमेंट में तो बोली लेते हो, 9 9 9 9 8 चल रहा है, अच्छा 8 बहुत बड़ा था, ये रहा 7,40,000, 7,40,000, ठीक है। अब आप भी अपने मॉड्यूल में ये चीज लिख दो, सबसे पहले तो ये 8,24,000 कैसे आया वो लिख दो, ये दो को मिलाकर आया है, ठीक है, जिसका ये 92,000 था, ये क्या था वो आप देख लेना, लिखो एक सेकेंड, 732,000 और ये था आपका 92,000, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आया है ये वाला, क्लियर। और ये वाला अमाउंट कैसे आया, ये वाला अमाउंट कैसे आया, ये आया है पूरे 2 साल का, 2 ईयर, ये कब का आया है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर में इतना रिकॉग्नाइज होगा ये वाला और फिर ये एडिशनल, और ये किसका दे रहे हैं, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का मतलब
फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में कितना करा है हमने 740 और इसमें कितना करा है हमने 824। अब 824 में अगर आप 740 मिलाओगे तो वो आ जाएगा 1564। मन में आ गया? तो एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब पहले साल का ही मिला दिया। अब यहाँ पर पहले साल का तो कुछ था ही नहीं, इसलिए 740,000 आ गया, और यहाँ पर पहले साल का था हमारा 740, तो हमने 840 में मिलाकर ये आ गया 1564,000। ठीक है, ईयर थ्री का बोल रहे हैं, हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं थी। यही नोट आप भी डाल सकते हैं अपने एग्जाम में, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, इसलिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। समझ में आ गया आपको? इन्होंने बहुत समरी चार्ट बनाकर कर दिया है, लेकिन आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद ही करते करते। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला लगाना आपको 740,000 आ जाएगा, सेकंड ईयर में फॉर्मूला लगाना, अरे यार हाईलाइटर टाइम पे चलता नहीं, ठीक है तो पूरा ही कट गया, 740,000 आ जाएगा। सेकंड ईयर का फॉर्मूला लगाना 732,000 का आ जाएगा, फिर एडिशनल कॉस्ट पे फिर फॉर्मूला लगाना 92,000 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाकर आपको लिख देना है 824,000। ठीक है, बाकी ये जरूरत नहीं है, अगर आप करो तो ठीक, नहीं करो तो मत ठीक, क्योंकि अभी तक हम कभी भी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस नहीं शो कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आप इतना कराओगे 740 और 824, यही बहुत है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये वाला सबसे ज्यादा लोगों को क्वेश्चन 9 टिपिकल लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन से भी दिखा दिया। ठीक है, मैंने कहा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, पता चला मैंने सॉल्यूशन करा दिया, उसके बाद आप सोचते रह जाओ कि ये मॉड्यूल ने तो अलग तरीके से कराया, तो मॉड्यूल ने कोई अलग तरीके से नहीं कराया, वही कराया, इसलिए मैंने ये सब कुछ बता दिया कि कैसे आया। ठीक है, तो ये सारी बातों का मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन 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 क्वेश्चन को रीड करने से पहले इस पर एक ग्रीन मार्क कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने अधूरा सॉल्व किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप दोबारा रिवीजन करते हो ना, तब अगर आपने गलती से स्टडी मटेरियल उठा लिया तो आप उसका सॉल्यूशन देखने लग जाओगे, तो मॉड्यूल में तो इसका अधूरा क्वेश्चन है, सॉरी अधूरा सॉल्यूशन है, तो आप इस पर स्टाप मार्क करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपको ये स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन नहीं देखना है, बल्कि जीनियस गर्ल ने जिस तरीके से सॉल्व कराया था पूरा फुल फ्लैश सॉल्यूशन, वो आपको चेक करना है। ठीक है, इसलिए मार्क कर लेना, जब भी मैं बताऊं कि ये एक अधूरा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हल्के हल ऑन द स्पॉट आपको मार्क कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब रीड करते हैं। ए पेरेंट कंपनी बी, पेरेंट का नाम है कंपनी बी, ग्रांट की है 30 शेयर्स टू एम्प्लॉइज 100 एम्प्लॉइज ईच ऑफ इट सब्सिडी, यानी कि वे वही वाला क्वेश्चन है जहां पर क्या होता है कि तीन लोग होते हैं, एक पेरेंट और एक सब्सिडरी और हमारे एम्प्लॉइज के सब्सिडरी के एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सब्सिडरी कब से होने लग गई, सब्सिडरी के एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज जो होते हैं वो सब्सिडरी के हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो सब्सिडरी को ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके बदले जो उन्हें शेयर्स मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, पेरेंट कंपनी। एम्प्लॉयज काम तो सब्सिडरी के लिए करते हैं लेकिन उन्हें शेयर्स पेरेंट कंपनी के मिलते हैं, तो पेरेंट एक तरीके से ये अपना एहसान जताती है सब्सिडरी को। ठीक है, कि आपके लिए आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। ठीक है, एहसान जताना मतलब आपकी सब्सिडरी में, अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा बोलती है पेरेंट कंपनी। जैसे होते हैं ना हमारे पेरेंट्स अगर हम पे कुछ कर दें, जैसे अभी तक बोलते हैं कि भाई आपको हमने बचपन में पढ़ाया लिखाया ये किया उसका सिला क्या मिला, इस तरीके से जो इमोशनल डायलॉग्स हमारे इंडियन पेरेंट्स देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी टू कंपनी दे रही है, यानी कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एहसान जता रही है कि देखो ये आपके एम्प्लॉयज हैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स दे रही हूँ। ठीक है, अपने शेयर्स पे बहुत बड़ी बात हो गई, तो मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। किससे बोलती है, सब्सिडरी से बोलती है कि मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मैंने इतना फोकस क्यों किया एहसान वर्ड पर मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कंपनी एस कौन है, हमारी सब्सिडरी, ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉयज रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी एस फॉर 3 ईयर। अब कंपनी ने बोला एम्प्लॉयज से कि आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रही हो और आपको पेरेंट कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, लेकिन 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 ये ऑप्शन मिलने से पहले आपको मेरे लिए कम से कम 3 साल काम करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्टिंग पीरियड।
कि 3 साल काम करोगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप। तो एम्प्लॉयज जब कंपनी एस में 3 साल काम करेंगे तभी उन्हें कंपनी पी यानी कि पेरेंट कंपनी के शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्यूम दैट एट द आउटसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2 यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं वेस्टिंग पीरियड 3। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इन तीनों में अपन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है कि ईयर 1 और 2 की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द एम्प्लॉयज विल रिमेन एम्प्लॉयड फॉर द 3 ईयर। क्या बोल रहे हैं कि सब के सब एम्प्लॉयज यहीं पर रहेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है। सबसे बढ़िया बात, एक तो ये सार का केस नहीं है, ईशॉप का केस है। सार का केस में क्या होता है, हर साल फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू वही रहती है जो ग्रांटेड पे रहती है। दूसरी बात, चेंज क्या आ सकता है, वो आ सकता है एम्प्लॉयज का, और यहाँ पर एम्प्लॉयज का भी चेंज नहीं है। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर मैं बात करूँ जब हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है, बोल रहे हैं बिल्कुल सेम है। एट द एंड ऑफ 3 नन ऑफ द एम्प्लॉयज हैज लेफ्ट, जैसा हमने सोचा था कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं जाएगा, सबके सब एम्प्लॉय रिमेन रहेंगे कंपनी में, तो वैसा ही हुआ, कोई भी एम्प्लॉय नहीं गया, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 सब में सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, और वो कितने हैं, यही हमें ऊपर गिवन था ऑलरेडी, दैट इज 100 एम्प्लॉयज। ठीक है, ऑप्शन 30 है, वो तो वैसे ही रहते हैं और एम्प्लॉयज भी सेम है, तो दोनों चीजें अपन की सेम है, कोई टेंशन ही लेनी नहीं है। आगे देखो, द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन ग्रांटेड इज 5 रुपीज पर शेयर। फिर हमें नेक्स्ट चाहिए होता है फेयर वैल्यू, वो भी सेम ही रहता है ईशॉप के केस में, जो ग्रांटेड वाला होता है वही रहता है, सार का केस तो है नहीं जो चेंज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड सेम है, ग्रांटेड फेयर वैल्यू सेम है, तो फिर दिक्कत ही क्या है, सब कुछ सेम ही रहेगा, यानी कि एक बार आपने फॉर्मूला लगाया आंसर आपका तीनों सालों में सेम ही आएगा। ठीक, कंपनी एच एग्रीज टू रीइंबर्स कंपनी पी। ओहो, एक नई बात आ गई, ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था, इसे हाईलाइट कर लेना, पहली बार आया ये एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं, देखो अलग पेन से कर रहा हूँ, पर्पल एंड माई ब्यूटिफुल कलर पर्पल पर्पल। तो देखो एस अग्रीज टू रीइंबर्स कंपनी पी ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट फॉर 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एस। ओ, क्या बोल दिया है उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोल दी पता है। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि पेरेंट कंपनी बार बार बोल रही है सब्सिडरी पे, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, एम्प्लॉयज काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको शेयर्स मैं अपने पेरेंट कंपनी के शेयर्स दे रही हूँ, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, ऐसे बार बार बोला और सब्सिडरी को आ गया गुस्सा। भाई बार 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 ऐसा होता ना, कोई एहसान जताता तो आ जाता है गुस्सा, अब सब्सिडरी को आ गया गुस्सा। उसने बोला कि ठीक है तुम हम पर एहसान जता रहे हो, जता तो रहे हो, लेकिन 75% सिर्फ और सिर्फ 25% एहसान जताओ, 25% एहसान जताओ, बाकी का 75% मैं आपको रीइंबर्स कर रही हूँ। एस अग्रीज टू रीइंबर्स बोल रहा है 75% मैं आपको रीइंबर्स कर रही हूँ। मैम रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो वो एहसान कर रहे हैं ना हमारे पास 100% का एहसान कर रहे हैं, उस 100% में 75% हम आपको कैश दे रहे हैं, बाकी का 25% हम आपसे एहसान ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि गुस्सा आ गई, इसलिए उन्होंने कहा 75% हम आपको रीइंबर्स कर रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, कि भाई कितने हो गए आपके पैसे, लो फटाफट बाकी का जो 25% है वो एहसान कर दो। ठीक है, तो अब सब्सिडी को थोड़ा कम बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25% एहसान लिया है, 75% का उन्होंने कैश दे दिया। ठीक है, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बोल रहे हैं कंपनी पी यानी कि पेरेंट कंपनी और कंपनी एस सब्सिडी कंपनी, दोनों कंपनी पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने में कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है, फेयर वैल्यू हमेशा ग्रांटेड वाली ली जाती है, वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि एक्सपेंस तो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, एक्सपेंस एकदम सेम आएगा। बाकी ये जो न्यू एडजस्टमेंट है इसके लिए आपको जरूर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक और बात बताई थी, ये क्वेश्चन अधूरा दे रखा है इस मॉड्यूल में, तो हम इसे पूरा करेंगे, इसलिए एंड तक एकदम अच्छे से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना। ठीक, तो कॉपी पेन निकालो फटाफट, चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडिया 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज दोनों की बुक्स में पहले हम करेंगे कंपनी एस दैट इज सब्सिडी, और फिर हम करेंगे कंपनी बी दैट इज पेयर। तो जनरल एंट्रीज का फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट कर लो, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया हमारा सब्सिडी का, फिर पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पेरेंट का। ठीक है,
तो जैसे कि आपको पता है जनरल एंट्रीज करने से पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट, यानी कि जो जनरल एंट्रीज में हमें अमाउंट डालना है उसको हम पहले से कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। तो चलिए पहले आ जाते हैं हम वर्किंग नोट पर। ये रहा वर्किंग नोट में, अरे यार ये हाईलाइटेड टाइम पे चलता ही नहीं। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। वैसे इसकी इतनी जरूरत थी नहीं क्योंकि हर साल सेम ही एक्सपेंस होगा, ना कोई वर्किंग, ना कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में चेंज आ रहा है, ना कोई फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना वेस्टिंग पीरियड में। तो वैसे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है तो हम पूरा करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही होगा मैजिक वाला, अरे यार जब करते हो तब होता नहीं है नीचे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा मैजिक वाला, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर, हर साल कितने एम्प्लॉयज रहेंगे एक बार देखने आपको, और हमेशा सेम ही रहेंगे इस क्वेश्चन में। आगे हर एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन मिल रहा है, फेयर वैल्यू ग्रांटेड वाली लेंगे क्योंकि ये ईसॉप का क्वेश्चन है, सार का नहीं, जो अलग अलग होगा ग्रांटेड वाला ही रहेगा। डिवाइड कर देंगे कितना वेस्टिंग पीरियड है और इंटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना हुआ है अभी तक, लेस कर देंगे अगर कोई एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है तो। अब तीन साल से तो तीनों साल का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, सबसे पहले आ जाते हैं ईयर वन पर। सबसे पहले बताओ मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 100, ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं 30, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड कितना है 5, वेस्टिंग पीरियड कितना है 3, अभी तक कितना साल कंप्लीट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1। फॉर्मूला लगा दिया मैजिक वाला, फटाफट सॉल्व करो, 100 × 30 × 5 / 3 ये आ गया 5000। अब वैसे तो आपको पता है कि हर साल 5000 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, कोई चेंज नहीं आया फेयर वैल्यू में, बट फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। फिर से देखो 100 × 30 × 5 / कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से, इंटू कर देंगे 2, क्योंकि अब हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया 2 साल। अब इसे कैलकुलेट करो 100 × 30 × 5 / 3 × 2, ये आ गया 10000। अरे मैम ये तो अलग आ गया, अलग नहीं आया बेटा, ये आपका पूरे 2 सालों का है, 2 सालों का है टोटल, 2 ईयर्स का है आपका, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, तो 10000 में से 5000 गए, 5000 बजे आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था ना सेम आएगा, तो फर्स्ट ईयर में भी 5000 आया, सेकेंड ईयर में भी 5000। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ईयर में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेम ही रहे थे 100, ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं 30, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड 5, डिवाइड कर देंगे 3 से वेस्टिंग पीरियड, और अभी तक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना हो गया पूरा का पूरा 3। देखो 100 × 30 × 5 डिवाइड करोगे इंटू करोगे सेम आ जाएगा 15000। अरे मैम फिर अलग आ गया, अरे अलग नहीं आया, ये टोटल 3 ईयर्स का आया, इसमें एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये वाला भी तो काम करोगे, माइनस करो फटाफट, 5000 फर्स्ट ईयर का, 5000 सेकेंड ईयर का, तो 5000 आ जाएगा थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल हो गया 15000, ठीक है। थर्ड ईयर का कितना है 5000। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हर साल सेम एक्सपेंस आएगा और वो कितना आया है 5000, क्लियर। तो यानी कि जनरल एंट्रीज में हमें कितना लिखना है 5000। अब जनरल एंट्रीज बनाने में फोकस करना है क्योंकि जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन में अलग बनेंगी थोड़ी सी। आ जाओ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट किसे मिल रहा है, सब्सिडी के एम्प्लॉयज हैं तो सब्सिडी में तो मिलेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करके हम क्या लिखते थे SBP रिजर्व, यही लिखते थे SBP रिजर्व, लेकिन शेयर्स तो कंपनी पी देने वाली है तो गुल्लक भी किस में बनेगी, कंपनी पी में, तो SBP रिजर्व इधर आएगा, ठीक है। डेट यहाँ पर देनी रखी थी तो फर्स्ट ईयर लिख देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व 5000, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एहसान जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 25% का कर रहे थे, एहसान जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 25% का कर रहे थे, एहसान का हम नाम क्या लिखते थे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा, मैं बार बार 75 क्यों कर देती हूँ, 25%, ठीक है। तो 5000 का 25% कैलकुलेट करो 1250, और बाकी का हम इनको दे देंगे
बैंक से पेमेंट 3750, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर, वो हमारे पास एहसान कर रहे थे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी, और एहसान कितने का कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25%, तो ये आ जाएगा 3750, और बाकी का पेरेंट को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। देखो यहाँ से पैसा जा रहा है सब्सिडी की तरफ से, तो यहाँ पर पैसा आएगा, कितना आएगा, 75%, 3750। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या, सिर्फ 25% का जो एहसान कर रहे हैं, समझ गया। यही सारी एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसको एक और बार देख लो ध्यान से, क्योंकि बाकी की मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी खुद ही। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसको मिल रहा है, एम्प्लॉयज का बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडी को, इसलिए सब्सिडी में लिखा है, ठीक है। लेकिन जो गुल्लक बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो बनाएगा कंपनी पी, तो SBP रिजर्व आएगा कंपनी पी की में, ठीक है, क्योंकि गुल्लक वो शेयर्स वो देगा, तो गुल्लक भी वही बनाएगा। फिर हम जो बाकी की चीजें करते थे वो इधर लिख देते थे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पेरेंट कंपनी, और इधर लिख देते थे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, या फिर बोल सकते हो कंपनी एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नाम दे रखा है। यहाँ पर हम बाकी का अमाउंट डाल देते थे 5000 5000, लेकिन इसमें ही नई बात आ गई है कि वो पूरा एहसान नहीं लेना चाहते 5000, वो कह रहे हैं आप हमें एहसान दो सिर्फ और सिर्फ, आप हमें एहसान दो सिर्फ और सिर्फ 25% का, ये जो ब्लू कलर का है ये एहसान आप हमें सिर्फ दो 25% का, तो 25% आता है 1250। तो यहाँ पर वो एहसान कर रही है कंपनी पी सब्सिडी पे, कैसे बोलते हैं एहसान को, एहसान को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, और यहाँ पर एहसान को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पी, यानी कि पी हमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, और यहाँ पर बोलते हैं कि हम सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बोला था उन्होंने रीइंबर्समेंट वाली लाइन कि 75% हम रीइंबर्स कर देंगे, हम उनसे एहसान नहीं लेंगे, इसको बोलते हैं कि सब्सिडी से पैसा जाएगा और पेरेंट में पैसा आएगा। मुझे ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं। देखो एंट्रीज वही है, थोड़ा सा ही घुमाया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू SBP रिजर्व, एंट्रीज वही है। अगर आपने पेरेंट सब्सिडी वाले पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो आपको ईजी लग रहा होगा, ठीक है। बाकी जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया होगा, सिर्फ उसे ये कठिन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अगेन बता दूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट इधर करेंगे सब्सिडी में, और SBP रिजर्व इधर करेंगे, क्योंकि ये शेयर देंगे और ये बेनिफिट उठाएंगे, उसके बाद ये एहसान लेंगे और ये एहसान देंगे। एहसान लेने को बोलते हैं कि हमारी पेरेंट ने हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, एहसान देने को बोलते हैं कि हमारे हमने अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की है। बाकी का जो एहसान नहीं लेना तो वो आप रीइंबर्स कर दो, यानी कि पैसा दे के और पेरेंट पैसा ले, बस इतनी सी बात है। सेम टू सेम एंट्री यहाँ होंगी, सेम एंट्री, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ना अमाउंट में अलग है और ना ही ना अमाउंट में अलग है और ना ही एंट्रीज में, बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होगी, तो आप कर देना। और लास्ट में एक एंट्री और बनेगी बस, कि SBP रिजर्व डेबिट हो जाएगा 5000 से, ठीक है, गुल्लक 5000 की तो बनाई थी, SBP रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हमें नहीं पता, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू नहीं दिया था। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू दिया होता तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो हमें नहीं पता कि इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप दोनों ऑब्लिक करके लिख दोगे और पूरा का पूरा अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। ये बनेगी आपकी फाइनल एंट्री, इतनी 3 साल सेम एंट्री आएंगी, जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में करा दी है वैसे ही आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कर देना। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोल दिया है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सब में सेम होंगी, तो उन्होंने सिर्फ एक बार एंट्री मारी है, बल्कि आपको 3 साल में 3 बार एंट्री भरनी पड़ेगी, ठीक है, सेम टू सेम। उन्होंने तो अपना काम बचा लिया, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा काम करके आना पड़ेगा। सेम टू सेम एंट्री आपको माननी है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वो मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में ये वाली एंट्री बन जाएगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो होती है भाई अपने शेयर्स देगी, तो उसने अपने शेयर्स दे दिए इक्विटी शेयर कैपिटल और उसने अपनी गुल्लक फोड़ ली SBP रिजर्व, ठीक है, ये हमारी फाइनल एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, एक नई बात थी इसमें, वही रीइंबर्स वाली बात, यानी कि एहसान नहीं लेने की बात, तो
उस पर आपको जरूर पॉइंट आउट करना है ताकि आपको एग्जाम से पहले वो बात याद रहे, ठीक है, कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी क्वेश्चन तो हमने आसान बना ही दिया, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर देना कि जब आपने ये क्वेश्चन खुद से पढ़ा था तो आपको जरूर दिक्कत आई होगी, समझ में नहीं आया होगा किस तरीके से किया, बट यहाँ पर आसान लगा कि नहीं आया। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू आर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐड होता है या फिर डिलीट होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेलिस्ट एडिट कर दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी फ्यूचर का हम फ्यूचर में देखते हैं, क्लियर। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। एन एंटिटी विच फॉलोज इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द कैलेंडर ईयर, ये एंटिटी ऐसी है जो फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ईयर लेता है, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आगे देखते हैं, ग्रांट 1000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स सार, ये सार दे रहे हैं, और अब तक तो आपको सार का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि सार में हम एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स नहीं देते बल्कि इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं, ठीक है, और वो कितने बेसिस पर देंगे अपन, 1000 शेयर, यानी कि 1000 हमारे सार हो गया नंबर ऑफ सार। एम्प्लॉयज कितने हैं टोटल, 40 एज ऑन 1 जनवरी 2015, ये बात हो रही है 1 जनवरी 2015 की। सार्स प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय विद द राइट टू रिसीव एट द डेट व्हेन द राइट्स आर एक्सरसाइज, कब मिलेगा, जब वो एक्सरसाइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इक्वल टू द एप्रिसिएशन इन द एंटिटी शेयर प्राइस इज द ग्रांट डेट, कुछ नहीं दिया रखा है, सिंपल आपको सार का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि सार क्या होता है कि जितना शेयर में एप्रिसिएशन रहेगा उतना ही आपको कैश दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल दी राइट वेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2016, अच्छा ये ऑप्शन कब दिया जा रहा है, 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 वन ईयर तो ये हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 को ही वेस्ट होंगे राइट, 2016 को वेस्ट राइट होंगे, यानी कि तब तक कितने हो जाएंगे, ईयर टू, यानी कि टोटल हो गया हमारा 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड, समझ में आ गया कैसे हो गया 2 साल का वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को ये राइट्स दिए जा रहे हैं और ये राइट्स वेस्ट कब होंगे, 31 दिसंबर 2016, यानी कि 2 साल हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग दी 17-18, अच्छा 2 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड है, उसके बाद 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड भी है, एक्सरसाइज पीरियड भी, और ध्यान रखना सार के केस में क्या होता है, फेस वैल्यू जो, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू जो होता है वो हर बैलेंस शीट डेट का देखा जाता है, हर बैलेंस शीट डेट का, और यहाँ पर 2 साल वेस्टिंग पीरियड है और 2 साल एक्सरसाइज पीरियड, यानी कि 4 साल तक हम इसका एट द एंड ऑफ द ईयर का फेयर वैल्यू देखेंगे, ठीक है, सार के केस में हर साल का फेयर वैल्यू देखना होता है, वो अलग ऑप्शन नहीं है ईसॉप वाला में, तो क्या होता है जो आपका ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू होता है वही चलता आता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आपको वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि हर साल फेयर वैल्यू को आपको कंसिडर करना पड़ता है, क्लियर। अभी तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा, इसलिए डरो मत, घबराओ नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट एट ग्रांट डेट, यानी कि 1 जनवरी 2015 की बात हो रही है, ग्रांट डेट पे द फेयर वैल्यू ऑफ ईच स्टार इज 11, उस दिन 11 था, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को 11 था। इट एस्टिमेट दैट ओवरऑल 10% ऑफ द एम्प्लॉयज विल लीव ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड, बोल रहे हैं 2 साल में 10% एम्प्लॉयज तो चले ही जाएंगे, ठीक है, यानी कि 40 में से अगर 10% चले जाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 36। आगे देखते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टार्स एट ईच ईयर आर शोन एज बिलो, और हमें हर साल का फेयर वैल्यू दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार के केस में हमें हर साल का फेयर वैल्यू कंसीडर करना होता है, तो 15 का भी बता रखा है, 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, ठीक है, और एम्प्लॉयज हमें कितने लेने हैं वो ऑलरेडी दे रखा है, उन्होंने बोला है 2 साल में सिर्फ 36 ही रह जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है हम सिर्फ 36 एम्प्लॉयज का ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 10% ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट, जैसे उन्होंने बोला कि 10% जाएंगे तो 10% चले ही गए, ठीक है, इसका मतलब हमने जो 36 एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा था वो एकदम करेक्ट है। आगे की देखो, ऑन 31 दिसंबर 2017, ये कब की बात हो रही है, अब हमारा शुरू हो गया एक्सरसाइज पीरियड, 17-18 में क्या है
एक्सरसाइज पीरियड, आप ये मार्क भी कर सकते हो क्वेश्चन में, ये है हमारा वेस्टिंग पीरियड 15-16 और ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड 17-18, ठीक है। When the intrinsic value of each star was 10, बोल रहे हैं जब वेस्टिंग पीरियड पहला वाला खत्म हुआ, सॉरी वेस्टिंग पीरियड तो खत्म हो चुका, एक्सरसाइज पीरियड जब हमारा पहला साल खत्म हुआ, तब जो स्टार का इंटरेस्टिंग वैल्यू था 10। अब बात आती है जब हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं तब तो फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें देते हैं ना पैसा, तब वो इंटरेस्टिंग वैल्यू अगर आपको दे रखी हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किस पर रखनी है, इंटरेस्टिंग वैल्यू पर, ठीक है। तो जब हम उन्हें पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे कैश का, वो कितने से करेंगे, 10 रुपीज से। ये ध्यान रखना, फेयर वैल्यू की जगह आप क्या यूज करोगे, इंट्रेंसिक वैल्यू, क्लियर। बोल रहे हैं 6 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, बोला था कि आप 17-18 में 2 सालों में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जो फर्स्ट ईयर एंड था हमारा एक्सरसाइज पीरियड का जो फर्स्ट ईयर एंड था, फर्स्ट ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर 2017, उस दिन 6 एम्प्लॉयज ने तो कर लिया, ठीक है। देखो 40 थे, 40 में से 10% तो है ही नहीं, 10% तो होंगे ही नहीं, यानी कि 36, और 36 में से जो 6 एम्प्लॉयज थे उन्होंने एक्सरसाइज पीरियड का जो पहला ईयर था यानी कि वाला, तभी उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, यानी कि अब कितने बचे, 30। तो 30 एम्प्लॉयज कब करेंगे बोलो, 30 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे ईयर 2 पर, एक्सरसाइज पीरियड का ईयर 2 पर, ठीक है। आगे लिखा भी है, देखो अगर ये नहीं भी लिखा होता ना तो हमें खुद से मानना पड़ता, ये जो मैंने आपको ऐसे कैलकुलेशन बताया कि टोटल 36 थे, 6 एम्प्लॉयज ने ईयर 1 पर ही ले लिया, तो बाकी के 30 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज पीरियड के ईयर 2 पर ही करेंगे, ठीक है एक्सरसाइज। तो अगर ये बात नहीं भी लिखी होती तो आपको मान के चलनी होती, बट हमारा क्वेश्चन बहुत प्यारा है जो उन्होंने खुद लिखकर दे दिया है, एंड द रिमेनिंग जो 30 एम्प्लॉयज बचे एक्सरसाइज कब करेंगे अपने ऑप्शन, एट द एंड ऑफ 2018, यानी कि आपका एक्सरसाइज पीरियड का ईयर 2, क्लियर। अच्छा उस दिन की भी इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है अपन को 12, यानी कि जो 30 एम्प्लॉयज है ना, 30 एम्प्लॉयज जो बचे हुए 30 एम्प्लॉयज उनको हम 12 से पेमेंट करेंगे, और हमने पहले वाले जो 6 एम्प्लॉयज होंगे उनको कब से पेमेंट किया होगा, 10 रुपये से। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पेमेंट जब भी करते हो किससे करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से। आगे देखो क्या लिखा है, हाउ मच एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ द ईच ईयर पास दी जनरल एंट्रीज, एक्सपेंस रिकॉग्नाइजेशन बोला है और जनरल एंट्रीज पास करनी है, मतलब वही जो दो काम जो हम हमेशा से क्वेश्चन में अब तक करते हुए आ रहे हैं, अब तक तो आपको फॉर्मूला वगैरह सब आ गया होगा क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी लेटर स्टडी मटेरियल, ये मैं इसलिए बोल देती हूँ ताकि आप अपने करंट वाले स्टडी मटेरियल फ्यूचर में देख रहे हो और करंट स्टडी मटेरियल में देख रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हमेशा मेंशन कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया कि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है 15-16 और 2 साल का हमारा एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। सार का केस है इसलिए हर ईएनडी की फेयर वैल्यू देखा जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट होगा वो किससे होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू से। बस इतनी बातें समझ में अगर आ गई हो तो हम फटाफट पर क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडेस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11, इसका कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी, एक थी हमारी जनरल एंट्रीज और दूसरा था वही कि एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अगर नहीं भी बोलते तब भी हम करते, क्योंकि जनरल एंट्रीज में जो अमाउंट डालना होता है वो तो हम वर्किंग नोट में क्रिएट ही करते हैं, ठीक है। तो पहले तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दो, वही सिंपल, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, फटाफट से एक फॉर्मेट क्रिएट करो, फिर हम चलते हैं। चलो 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 आ गई, और फटाफट से नेक्स्ट क्रिएट करो। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, वैसे तो हम हरे पेन से वर्किंग नोट में करते हैं, पर इस क्वेश्चन में खुद से उन्होंने बोला था कि एक्सपेंस आपको रिकॉग्नाइज करना है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन ने नहीं स्पेसिफाई करा होता, तो हम इसे एज अ वर्किंग नोट करते, क्लियर। लेकिन करना तो है ही है, देखो चाहे आप वर्किंग नोट मानो या फिर सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन बोले तो सॉल्यूशन कर दो, जैसे इस क्वेश्चन में करा है, समझ में आ गया। अदरवाइज जैसे हम हर क्वेश्चन में करते थे वर्किंग नोट, वैसे ही करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये प्रेजेंटेशन के लिए होती है बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, कुछ भी वर्किंग नोट बनाया तो कुछ भी क्वेश्चन करे तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको हमेशा एक मैजिक फॉर्मूला बताया है, क्या है वो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ सार्स कितने मिल रहे हैं, फेयर वैल्यूज ऑफ सार एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट का फेयर वैल्यू आपको लेना है,
डिवाइड कर देंगे टोटल वेस्टिंग पीरियड से और इंटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हुआ है, और लेस कर देंगे अगर कुछ ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ है तो उसे लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2015 की, यानी कि ये हमारा वेस्टिंग पीरियड वन। क्लियर, वेस्टिंग पीरियड वन, दो साल का वेस्टिंग पीरियड था, ये हमारा पहला है। सबसे पहले मुझे बताया एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज टोटल तो 40 थे, लेकिन उसमें से 10% जाने ही वाले हैं, तो उनके लिए हम एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज करें, इसलिए हम यूज करेंगे 36। आगे उनको सार कितने मिल रहे हैं, 1000। फेयर वैल्यू, पहली वाली बैलेंस शीट डेट पता ध्यान रखना, ग्रांडेड वाला नहीं लेना है, वो कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। ग्रांडेड वाला लेते हैं अपन ईसॉप के केस में, सार वाले केस में बैलेंस शीट डेट का लेंगे, यानी कि 12। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2। अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, 1। कैलकुलेट करते हैं, 36 × 1000 × 12 / 2 ये आ गया 216000। तो पहले वाले का आ गया 216000। क्लियर, आगे 31 दिसंबर 2016 वेस्टिंग पीरियड नंबर 2। हाँ जी, अभी कितने थे, वही 36 ही लेने हैं, क्योंकि दोनों सालों में उन्होंने बोला था 36 ही लेने हैं। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 1000। यहाँ पर फेयर वैल्यू चेक करना, चेंज हो गया होगा, 8 है। वेस्टिंग पीरियड कितने हैं, 2। टोटल कितने हैं, 2। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया, 2। तो 36 × 1000 × 8 ये आ गया 288000। अब ध्यान रखेंगे ये 288000 है वो 2 ईयर्स का है, कितने ईयर्स का है, टोटल 2 ईयर्स का। तो इसमें से एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ये माइनस कर देंगे, कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी हम, 216000 ये वाला। तो ये माइनस करके देखो, 288 - 216 ये कितना आ गया, 72000। तो फर्स्ट ईयर में अपन रिकॉग्नाइज करेंगे 216000, सेकेंड ईयर में अपन रिकॉग्नाइज करेंगे 72000। ठीक है, तो टोटल हमारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये हर बार मैं लिखा देती हूँ कि ये पूरे 2 साल का है, जिसमें से कि फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है 216, अब बस हमें रिकॉग्नाइज करना है 72000। अब आप सोच रहे होगे मैम यहीं तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हमारा ये वाला पार्ट एक्सपेंस रिकॉग्निशन का, लेकिन आपने यहाँ पर ये दोनों साल क्यों लिखे हैं, 17 और 18, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज पीरियड है, ये तो एक्सरसाइज पीरियड है, और जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं वो तो वेस्टिंग पीरियड में करते हैं, ये क्या है, एक्सरसाइज पीरियड आपने क्यों लिखा है। तो मेरी बात समझो, ये सार का केस है, सार के केस में हर साल बैलेंस शीट डेट पर चेंज हो जाता है, ठीक है, और चेंज हो जाता है फेयर वैल्यू, तो हो सकता है ना आगे जाके हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज पीरियड में हम एक्सपेंस को रीमेजर्ड करते हैं, हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तारा हमने रिकॉग्नाइज कर लिया पूरा का पूरा, हम क्या करते हैं रीमेजर्ड, अगर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होगा तो उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रीमेजर्ड करते, ठीक है, कोई ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बस रीमेजर्ड कर रहे हैं, ठीक, कि एक्सरसाइज पीरियड में हमारा क्या खर्चा होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वो लोग एम्प्लॉय जा रहे थे ना, पहले तो उनको हटा दो। एक्सरसाइज पीरियड जो हमारा ये है, फर्स्ट एक्सरसाइज पीरियड एंड, इसमें कुछ लोग जा भी तो रहे थे, कितने लोग जा रहे थे, 36 में से आई थिंक 6 जा रहे थे, क्वेश्चन चेक करना, एकदम करेक्ट, 6 एम्प्लॉय जा रहे हैं, ठीक है, तो 6 एम्प्लॉय जो जा रहे हैं उनको कितने ऑप्शंस मिले हैं, 1000। उनको पेमेंट किससे होगा, उनको पेमेंट होगा, मैम आपने पेमेंट से बताया था कि वो इंट्रेंसिक वैल्यू से होता है, करेक्ट, तो इंट्रेंसिक वैल्यू उतना कब है, इस दिन इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, देखो 10 रुपये, यानी कि उनको पेमेंट इतने से होगा, ठीक है, तो उनको पेमेंट कितने से होगा, देखो 60000 हो गया उनको पेमेंट, क्लियर, 60000 उनको हो गया पेमेंट, कितने एम्प्लॉयज को, 6 एम्प्लॉयज को। अब बाकी के बचे एम्प्लॉयज, बाकी के इतने एम्प्लॉयज बचे, बाकी के एम्प्लॉयज बचे 30 एम्प्लॉयज बचे, और 30 एम्प्लॉयज बचे, 1000 ऑप्शंस हैं। अब फेयर वैल्यू देखो, फेयर वैल्यू है 13, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, 30 एम्प्लॉयज को 1000 ऑप्शन है, वो फेयर वैल्यू है 13, यानी कि कितना होना चाहिए टोटल, कितना होना चाहिए टोटल, 390000 हमारे गुल्लक में होना चाहिए, 390000 हमारे गुल्लक में होना चाहिए, 390000। अब देखते हैं भाई गुल्लक कहाँ है, ये रही हमारी गुल्लक,
यही तो है हमारी गुल्लक। तो हमारी गुल्लक में कितने हैं? 2,16,000 प्लस 72,000, 2,16,000 प्लस 72,000, 2,88,000, 288,000, जिसमें से कि हमने गुल्लक में से 60,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है, तो 60,000 हम माइनस कर देंगे। अब कितना बचा बोलो? अब बचा 228,000। लेकिन हमें चाहिए कितना गुल्लक में? 3,90,000। ओ गॉड, अगर हम आज की फेयर वैल्यू देखें तो वो 13 रुपए है, और आज के हिसाब से ध्यान देना, ठीक है? हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, इसलिए आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं, जब 31 दिसंबर 2017 है, और आज के अकॉर्डिंग देखूं कि मुझे फ्यूचर में 30 एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है, 1,000 ऑप्शन है उनके पास, और 13 रुपए से करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू आज कितना है? 13। तो 13 रुपए से, यानी कि आज अगर मैं बात करूं तो 3,90,000 मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है। आज की बात कर रही हूँ, 31 दिसंबर 2017 की आज की बात कर रही हूँ कि आज से अगर मैंने देखा तो मुझे पेमेंट करना है 3,90,000। लेकिन आज की हमारी गुल्लक तो देखो, आज हमारी गुल्लक में क्या है? हमारी गुल्लक में टोटल था, फर्स्ट ईयर में हमने इतना करा, सेकेंड ईयर में हमने इतना किया, ठीक है? थर्ड ईयर में हमारा पेमेंट हो गया, 60,000, ठीक है? तो हमारे गुल्लक में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 28,000। लेकिन हमारी गुल्लक से हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 3,90,000, यानी कि 162,000 हमें गुल्लक में और चाहिए, 162,000 हमें गुल्लक में और चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर अलग पेन से लिखूं, 162,000 हमें और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये रीमेजर्ड हो गया, समझ में आ रहा है? ये रीमेजर्ड हो गया। अब बात करते हैं 31 दिसंबर 2018 की, 31 दिसंबर 2018, ये क्या है हमारा? ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पीरियड, ध्यान रखना, सेकेंड एक्सरसाइज पीरियड, क्लियर? सेकेंड एक्सरसाइज पीरियड है। एम्प्लॉयज कितने बचे हैं? 30। एम्प्लॉयज कितने बचे हैं हमारे पास? 30 एम्प्लॉयज को स्टार कितने मिले हैं? 1,000। और पेमेंट किससे करते हैं? पेमेंट करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू से। तो पेमेंट का इंट्रेंसिक वैल्यू देखना है इनका, इनका इंट्रेंसिक वैल्यू है 12 रुपए, यानी कि फेयर वैल्यू के बराबर ही है, 12 रुपए। 30 × 1,000 × 12, यानी कि हमने इनको जो पेमेंट करना है वो करना है 3,60,000। रिकॉग्नाइज हमने करा था 13 से, लेकिन अब आ गया है वो 12 पर, तो सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 का अपन को पेमेंट करना है, ठीक है? ये करना है अपन को पेमेंट। एक सेकेंड, हमने गुल्लक में कितने रख रखे थे? 3,90,000। 3,90,000 हमने गुल्लक में रख रखे हैं, जिसमें से कि हमने 3,60,000 का पेमेंट कर दिया, तो गुल्लक में कितने बचे होंगे? 30,000। क्या कुछ एम्प्लॉयज बचे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कुछ एम्प्लॉयज बचे हैं? बिल्कुल एम्प्लॉयज नहीं बचे। तो 30,000 ये जो गुल्लक में एक्स्ट्रा पड़े हैं, इसको क्या करें? बोलो बोलो बोलो, क्या करो? कुछ नहीं, जैसे आपने रीमेजर्ड करा था उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स एंट्री मार दो। आपने रीमेजर्ड किया था ना, रिवर्स एंट्री मार दो। जब कुछ है ही नहीं, पेमेंट करना है अपन को 3,60,000 का, गुल्लक में पड़े हैं, तो एक्सरसाइज फिर में उसको रिवर्स मार दो, रीमेजर्ड एंड रिवर्स। समझ में आ गया आपको? मैंने इसलिए कैलकुलेशन में इतना टाइम लगाया। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो वही आपने एम्प्लॉयज लिए 36,000, ऑप्शन लिए, जो फेयर वैल्यू है इंटू करके आपने 2,16,000 कर दिया। सेम यहाँ भी वेस्टिंग पीरियड 2 में भी आपने सेम फॉर्मूला लगाया कि 2 साल का टोटल खर्चा होता है 288, जिसमें से 216 आप कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ बचा 72,000, तो आपने सेकेंड ईयर में 72,000 कर दिए। जो मेन जो नई बात शुरू हुई इस क्वेश्चन की, वो यहाँ से शुरू हुई एक्सरसाइज पीरियड से, कि 36 में से 6 लोगों ने अभी के अभी पेमेंट ले लिया, 6 लोगों ने अभी के अभी पेमेंट ले लिया है, तो 6 लोगों के पास, 6 एम्प्लॉयज के पास 1,000 थे, और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था? 10 रुपए। तो इनका जो पेमेंट हुआ वो 60,000 पर,
तो हमने यहाँ पर देखा कि गुल्लक में टोटल अमाउंट कितना था 288, जिसमें से कि पेमेंट हो चुका है 60,000 और गुल्लक में अभी पड़ा कितना है 228,000। लेकिन हमने अगर आज चेक किया कि हमारे पास आगे जाकर 30 एम्प्लॉयज और आएंगे, 6 तो अभी ले गए, ये तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन 30 एम्प्लॉयज और आएंगे जिनके पास 1060 है, लेकिन जो आज का फेयर वैल्यू है वो है 13, यानी कि आज के अकॉर्डिंग हमें कितने रखने पड़ेंगे 390,000, और जब हमने गुल्लक की तरफ नजर डाली तो गुल्लक में कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 228, गुल्लक में होने कितने चाहिए 390, इसका मतलब गुल्लक में हमें 162 और करने पड़ेंगे, तो इसलिए गुल्लक में 162 और करने पड़ेंगे, इसलिए हमने 162 को और प्लस कर दिया। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ, हमारी गुल्लक में टोटल कितने आ गए 390,000, जो अपन को चाहिए थे, 228 थे, 162 और कर दिए, टोटल हो गए 390। ठीक, अब जब 390 हमारे पास थे, लेकिन इस बार हमने जो पेमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 360 का किया है, तो हमारे पास 30,000 रहे, और 360 का पेमेंट कैसे किया वो भी मैंने आपको समझा दिया कि 30 एम्प्लॉयज थे, क्योंकि 6 ने तो ऑलरेडी पेमेंट कर लिया, 30 एम्प्लॉयज रह गए थे जिनके पास 1,060 थे, और इंट्रेंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम ही है, वैसे आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू को, यहाँ पे दोनों इक्वल है, पर लिखोगे आप इंट्रेंसिक वैल्यू भी, इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी थी 12, और आपने जो पेमेंट किया वो हो गया 360, गुल्लक में कितने थे 390, तो आपने 30,000 जो है वो पेमेंट कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम जब 12 से ही पेमेंट किया था तो 13 से एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज किया, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है कि 31 दिसंबर हमारे 2017 को हमें सपने तो थोड़ी आ रहे थे कि 31 दिसंबर 2018 को एक साल बाद इंट्रेंसिक वैल्यू 12 होगा, हमने तो आज के अकॉर्डिंग देखा और आज के अकॉर्डिंग हम फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बात गांठ बांध लो जिसको भी नहीं पता हो, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जो पेमेंट करते हैं उसमें प्रायोरिटी रहती है हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू। क्लियर? तो मुझे लगता है अब आपको एक्सपेंस रिकॉग्निशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर फिर भी आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वैसे मैंने आपको दो बार ही एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब अपन चलते हैं एंट्रीज की तरफ, जो हमारी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, जनरल एंट्रीज। सबसे पहले तो हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे वेस्टिंग पीरियड में, ठीक है, तो पहला हमारा वेस्टिंग पीरियड जो कि था 31 दिसंबर 2015, अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब हमारा अमाउंट तो कैलकुलेट हो ही गया है, सिर्फ एंट्री पास करनी है। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व लिखूं या लायबिलिटी, लायबिलिटी सार का जैसे कैश देना है। पहला अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं 216,000, फिर आता है वेस्टिंग पीरियड टू की बात, एंट्री सेम होगी एकदम, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करेंगे टू गुल्लक बना देंगे, और सार के केस में गुल्लक का नाम होता है SBP लायबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट चेक होना 72,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा खर्चा है 288, जिसमें से कि 288 जिसमें से कि 216 हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, अब हो जाएगा 72,000, ठीक है, तो यहाँ हमारा सारा खर्चा जो है वो बुक हो चुका है। लेकिन बात आती है 31 दिसंबर 2017 की, ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड, ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड वन, ठीक है, जिसमें से कि पेमेंट ले चुके हैं, तो जब पेमेंट लेते हैं तो हमारी गुल्लक हो जाती है डेबिट, गुल्लक हो जाएगी डेबिट और पैसा चला जाएगा, गुल्लक हो जाएगी डेबिट और पैसा चला जाएगा, कितने से जाएगा 60,000, कितने से जाएगा 60,000, और ये 60,000 आया कैसे, ये 60,000 आया एम्प्लॉय कितने थे 6, ऑप्शन मिल रहे थे 1,000 और उस टाइम फेयर वैल्यू था, इंट्रेंसिक वैल्यू था 10, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू था 10, एम्प्लॉय कितने थे 1,000, हर किसी को एम्प्लॉय मिल रहे थे, यानी कि 6,000 को 10 रुपये से मिल रहा है तो यानी कि 60,000 पेमेंट हो गया। लेकिन अभी 30 एम्प्लॉयज बाकी हैं जिनके लिए हमें खर्चा रीमेजर्ड करना पड़ेगा, तो फिर से हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो ये हम ऑल मतलब फिर से एक्सपेंस कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये तो वो फेयर वैल्यू बढ़ गया इस वजह से कर रहे हैं, बाकी हमने वेस्टिंग पीरियड में ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम वेस्टिंग पीरियड में ही करते हैं,
तो फिर से हमें गुल्लक बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि हम खर्चे को रीमेजर्ड कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि एक्सरसाइज पीरियड में हम कंप्यूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रीमेजर्ड कर रहे हैं। फेस वैल्यू फेयर वैल्यू की वजह से बढ़ गया है। कितना करेंगे? 162,000। और ये कैसे आया 162,000, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे गुल्लक में था 288, जिसमें से कि 60 का पेमेंट हो गया। तो अब कितना बचा? 8 में 6 2, यानी कि 228,000। लेकिन हमें जो चाहिए खर्चा, वो टोटल चाहिए 390,000। तो 390 माइनस 228, 162। तो ये जो है ना, ये वाला समझ में आ रहा है? अरे यार, ये वाला, ये रीमेजर्ड हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2018। मैम आप एक ही चीज इतनी बार क्यों बताए? क्योंकि भाई जो उसको एक बार में नहीं समझ में आते ऐसे कॉन्सेप्ट, हो सकता है, जरूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट ना हो। बात ये आती है, कोई कोई होता है जिसको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होता, इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ, ठीक है। और तुम लोगों के लिए सही है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम लोगों के लिए भी सही है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको बोलोगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको रिविजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तो अब बताओ क्या करना है। अब जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? SBB लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? 360। और ये अमाउंट कैसे आया है? मैंने बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। 30 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास 1000 ऑप्शन है, सार है, और 12 रुपये हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू है। फेयर वैल्यू नहीं लिया, इंट्रेंसिक वैल्यू लिया। 30 × 1000 × 12, ये आ गया 3,60,000। लेकिन हमारी गुल्लक में कितने थे? 3,90,000। तो बाकी की एंट्री को क्या कर देंगे? रिवर्स मार देंगे, ठीक है, क्योंकि रीमेजर्ड किया था ना, जो कि हमारा गलत साबित हुआ, तो रिवर्स कर देंगे। ऐसा थोड़ी कोई एम्प्लॉयज वगैरह गए हैं, ये तो हमने जो फेयर वैल्यू की वजह से एक्स्ट्रा करा था वो नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? रिवर्स मार देंगे एंट्री। समझ में आ गया? हो सकता है ये क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे थे तो आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको समझाया कि हाँ भाई इस तरीके से पेमेंट करना है और इस तरीके से, तब आपको ईजी लग रहा होगा। तो ये चीज कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर बताना कि जब क्वेश्चन आपने रीड किया था और अब जब मेरे साथ सॉल्व किया है तो उसमें फर्क आया कि नहीं आया, अब आपको आसान लगा कि नहीं लगा, ठीक है। बाकी का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।